हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, वॉइस प्रॉपर आ रही है? हेलो हेलो हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू गाइस? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे बताओ कैसे हो आप सब? आज का चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर है हेमंत, हथियार की दरबारा। ये सही है। या गाइस, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब? ओके ओके, चैप्टर नंबर 15 आपका। इस चैप्टर के बाद हम लाएंगे क्योंकि उस चैप्टर का नोट्स ऑन प्रोग्रेस में है और वो चैप्टर मैं आपको एक अच्छा नोट्स देना चाहता हूं। सो वी विल स्टडी दैट चैप्टर आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन। होपफुली टुमारो नेक्स्ट सेशन आपका एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई पर होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें आपको फुल मजा आने वाला है। एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, मिस अमन, ठीक है गाइस? तो अमन चैप्टर को हम बहुत बढ़िया से लेने वाले, उसका थोड़ा धैर्य रखिए। तो उससे पहले सेमीकंडक्टर्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। गाइस माय वॉइस इज प्रॉपर? गाइज माई वॉइस इज प्रॉपर? प्लीज लेट मी नो, इन्फॉर्म करो मुझे। यार स्क्रीन में हेमंत बहुत काला दिख रहा हूं मैं काला गांव में जाके हो गया हूं कि सही में काला दिखाई दे रहा हूं? हाँ कुछ उजाला आया चेहरों पे? डार मतलब काला? ओके चलो कोई बात नहीं, चेहरे से क्या लेना देना, पढ़ाई से लेना देना है। ओके ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। थैंक फॉर ट्रीटमेंट गणेश जी ने मुझे चाय भेजा है, थैंक यू बड़ा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बराबर, आवाज बराबर, मैं बराबर, बोर्ड आपको बराबर दिख रहा है गाइस? हाँ, स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करें, बोलो से स्टार्ट। लव यू सो मच तुषार देशमुख, थैंक यू बेटा। ओके, यस ठीक है, थैंक यू बेटा। स्टार्ट। तो मैं चला स्टार्ट करने, ओके मैं चला स्टार्ट करने, चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, सेमीकंडक्टर। ये बच्चे हमेशा उसको क्या कर देते, लीव कर देते इन ऑप्शन, क्योंकि उनको सही से शायद पढ़ाया नहीं गया है या उन्होंने सही से इसको पढ़ा नहीं है। यही दो रीजन हो सकता है बच्चों को ये चैप्टर को क्या करने के लिए, लीव करने के लिए, इन ऑप्शन में रखने के लिए। लेकिन आज लेक्चर अटेंड करने के बाद थारा भाई आपसे प्रॉमिस करता बच्चों कि यह चैप्टर आपका लंगोटिया बना देंगे भाई साहब, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि चैप्टर कितने अच्छे से लेने वाले ना कि चैप्टर आपके लिए हवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? हवा बन जाएगा। तो चैप्टर को आज हमें हवा बना के लेना है और अपना लंगोटिया बना के लेना है और चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है गाइस, ठीक है, गहराई में जाके। चलो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स, राइट गाइस। चलो, यस, सेमीकंडक्टर इन वन शॉट रिवीजन करना है बड़ा बाय थाराभाई अजय दुबे सर। नाउ तो बड़ा सेमीकंडक्टर में आपने देख रहे होंगे एक चीज मैंने लिखा हुआ है, देयर इज अ कंडक्टर, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर की बहुत फटाफट लेने वाले हैं, ठीक है, बहुत चैप्टर बहुत मजेदार है बच्चा, आपको फुल मजा आएगा। कंडक्टर्स क्या होते बेटा? दोज मटेरियल विच अलाउज फ्लो ऑफ करेंट, वो मटेरियल कंडक्टर कहलाते हैं जो करंट को क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर की पहचान किन मटेरियल से, वो मटेरियल जो कंडक्ट जो करंट को फ्लो करा लेते हैं, ठीक है, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटलिक्स एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स के, वो सब गुड कंडक्टर होते हैं। अंडरस्टूड गाइस? ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एग्जांपल आयरन और मेटलिक्स, ये सब क्या है, कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। आ जाओ, नोट, इन कंडक्टर्स कंडक्शन इज हाई, कंडक्टर्स में हमेशा कंडक्शन हाई रहता है, मतलब क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में हमेशा फ्लो हाई ही रहता है। और इन दिस रेजिस्टिविटी इज व्हाट, लो, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है लो रहता है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस जो रहता है करंट को फ्लो करने के लिए बहुत लो रहता है और अलाउंस ज्यादा रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एट अ टाइम क्या कर सकता है, कंडक्टर में फ्लो कर सकता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर क्या होता है बेटा? दोज मटेरियल विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट, ऐसे मटेरियल जो करंट को फ्लो करने से रोकते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो करंट को फ्लो करने नहीं देते, जैसे कि कोई प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, फैब्रिक एलिमेंट्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और बैड कंडक्टर को क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, इसमें नॉन मेटलिक्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सबके सब इंसुलेटर कहलाते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कि ऊड हो गया मतलब लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया मतलब कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, फैब्रिक्स हो गया, लैब 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 दुनिया भर के एग्जाम्पल, दुनिया भर के एग्जाम्पल है जो आपको ये बताएंगे कि वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो कुछ गुड कंडक्टर होता है, कुछ बैड कंडक्टर होता है। आ जाओ आगे, अब हम बात करते हैं, देखो इसमें और चीज देख दो, इसमें नोट कर लेते हैं, इंसुलेटर में नोट करते हैं। ये नोट किसका है सर? इंसुलेटर का नोट है। क्या बोलता है गाइस? इन इंसुलेटर कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसके अंदर कंडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है जिसके वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। करंट फ्लो करना चाहता है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस यानी कि अवरोधक अपोज करने वाले चार्ज ज्यादा रहते हैं जिसके वजह से इसके अंदर करंट मतलब चार्ज जो होता है फ्लो नहीं कर पाता है क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहता है। अंडरस्टूड गाइस, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम फाइनली आते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर जो आपका टॉपिक है, ठीक है सही। चलो, दोज मटेरियल विच अलाउज मीडियम अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो, ऐसे मटेरियल जो मीडियम अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करते फ्लो करने के लिए, मतलब इसमें करंट तो फ्लो होगा लेकिन उतना हाई वोल्टेज में नहीं होगा जितना कि कंडक्टर में होता था, ठीक है। इसमें होगा लेकिन मीडियम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा किसमें होता है? कंडक्टर में, और इसमें होता है लेकिन मीडियम होता है, ठीक है। तो ये बीच वाला है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर बहुत कराता है, इंसुलेटर कुछ नहीं कराता है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर बीच में कराता है, मतलब ये बीच वाला रहता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब कंडक्शन भी होता है, रेजिस्टेंस भी रहता है, लेकिन जैसे कि बताओ मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्शन का लेवल एक जैसा रहता है, इसकी वजह से मीडियम अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो पाता है? फ्लो कर पाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर कुछ एग्जांपल बताइए जिससे हमें यह पता चले कि ये हमारे बीच में सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ऐसे लिखा होगा मैंने, ये सब कुछ बेस्ट सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल को चार्जर वाला एग्जाम्पल, जैसे कि आपके घर में जो चार्जर है, ठीक है, जिससे आप लोग क्या करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है। हेमंत चार्जर लाओ जरा, बच्चों को मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। गाइस ऐसा आपके घरों में चार्जर रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। अब इस चार्जर को अगर हम लोग किसी में स्विचिंग बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है, तो लगाने के बाद देख मत लगा देता हूं यहां पर, ये लगा दिया, हालांकि शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैंने लगा दिया स्विच। अब वहां से करंट आना चालू हो गया, स्विच मैंने ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर करंट है, करंट इसके अंदर है गाइस, लेकिन ये करंट हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि देखो इसके नंगे, देखो इसको नंगा पकड़ के रखा है मैंने, किसी की दिम्मत है, इसको नंगा पकड़ के रखा है भाई, दिख रहा है, इसके नंगे पोर्शन को पकड़ लिया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर उतना करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है जो हमें नुकसान पहुंचा पाए। अंडरस्टूड? क्योंकि ये सेमी कंडक्टर डिवाइस है, इसके अंदर मीडियम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों सर? क्या आप कोई आयरन मैन है क्या, या स्टील मैन है? ऐसा कुछ बात नहीं बेटा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इससे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में भी देखो, हमारे बॉडी में भी करंट का फ्लो होता है, आपको पता है हमारा बॉडी में करंट क्या करता है, फॉर्म करता है। अंडरस्टूड और नॉट? कभी गूगल करिएगा। और इसके कंपेयर में हमारे बॉडी में करंट ज्यादा चलता है, तो यह करंट का असर हमारे बॉडी में नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी इससे हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है, ठीक है गाइस, जिसका ऐसा हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको नंगा पकड़ने के बाद हमें कुछ होता नहीं है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है। लेकिन हाँ, अगर इसको हम लोग मोबाइल में लगा देंगे, ठीक है गाइस, तो देखो इसको नंगे भाग को इसके नंगे उसमें डालेगा तो कुछ तो हो जाएगा। हो गया भाई, ठीक है, कनेक्शन हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो भाई कनेक्शन हो गया, मोबाइल चार्ज होने लगा, लेकिन ये जो मोबाइल में जो बैटरी होता है वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। अंडरस्टूड और नॉट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। अच्छा, मैं एक चीज को यहां प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग इसके नंगे फेस को पकड़ के अपना सेल्फी मुझे भेजो, मैं इस चीज को कतई प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि घर पे जाके ट्राई करना कि सर ने बताया तो नंगे भाग को पकड़ो, कुछ नहीं होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर है। चलो ठीक है, चार्जर वगैरह तो ठीक है, लेकिन भाई कुछ एडवांस अल्ट्रा लेजन बनने की कोशिश करोगे, प्रो लेजन बनने की कोशिश करोगे और कुछ गलत वायर को टच कर दो भाई, तो दुर्घटना हो जाएगा। ऐसा कभी करियो मत, दिस इज वेरी बैड, कभी घर पे ट्राई मत करना, ये सब हार्मफुल होता है, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट? कभी ट्राई मत करना कि भाई आज अपन कुछ तूफानी करके दिखाएगा, ठीक है, अभी करना मत। अंडरस्टूड गाइस? क्योंकि
इस चीज के ऊपर मैं आपको लाइव एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं ऑफलाइन लेक्चर ले रहा था, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर की नहीं, ऑफलाइन किसी क्लासरूम में, तो वहां पे मैं इस टॉपिक को समझा रहा था एंड सेम मैंने वहां पर एसी का एग्जाम्पल दिया था, किसका, चार्जर का ही, ठीक है गाइस। तो वो लड़का, एक लड़का था, तो उसको उस चीज को उसने सीरियस ले लिया, ठीक है, उस चीज को उसने क्या ले लिया, सीरियस ले लिया कि ठीक है मैं घर पे जाके और उसका मोबाइल को नंगा लगा के, मतलब अपने बॉडी में टच कराऊंगा, कहां कहां मेरे को फील नहीं होता है। तो उसने जाके ना भाई हर जगह टच किया, उसको कुछ फील नहीं हुआ। उसने गलती उसको लेके ना इसे लेके इसके वायर को जीप पे लगा दिया टेस्ट करने का, जीप पे कुछ होता है क्या भाई, ये खतरनाक पंगा उसके साथ हुआ कि कुछ समय के लिए वो हो गया था क्या, ओ आ, समझा, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझा तो गोलमाल 3 देख लो, वहां पे तुषार कपूर ने एक्टिंग बरोबर किया ही हो या, मतलब इससे क्या हो गया, उसके जीप में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, फिर उसको बोलने में काफी दिन तक प्रॉब्लम गया। तो इसे ट्राई नहीं करने का, ये सब जगहों पे देखो, यहां पर हमें पता नहीं चलता है लेकिन जीप पे पता चल जाता है, क्योंकि जीप हमारे यहाँ पे सलाइवा रहता है, ठीक है गाइस, और वो सॉल्टी रहता है, और सॉल्ट जो मतलब इम्प्योर हो जाता है, और इम्प्योर जो वाटर होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, फटाक से फ्रेंडशिप कर लेता है, ठीक है। तो ये सब कभी घर पे मत ट्राई करना, अंडरस्टूड नॉट, बैड थिंग, कभी देखो ट्राई मत करना। कभी कभी देखो आप बैटरी रहता है, पहले गांव में वो बैटरी खत्म हुआ है मोबाइल का, पहले डब्बा मोबाइल होता था नोकिया वगैरह का, राइट, तो डब्बा मोबाइल का बैटरी लगाते थे पहले, अभी नॉन रिमूवेबल बैटरी आता है, लेकिन पहले बैटरी को रिमूव कर सकते थे, तो बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, तो पहले लोग क्या करते पता है, बैटरी को नंगा करके निकाल के जीप पे टच करते थे, चार्ज है भाई, तीखा तीखा लगता था, ठीक है, इससे पता चल जाता था, सेंसिटिव पार्ट रहता है। तो कभी ट्राई मत करना भाई साहब, प्लीज आई रिक्वेस्ट ट्राई मत करना, आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज वंस अगेन, कभी सब ट्राई मत करना, सुनने के लिए अच्छा रहता है लेकिन प्रैक्टिकल में उतना करो जितना कि ठीक होता है। तो सेमी कनेक्ट डिवाइस देखो, हालांकि यहां तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, यहां से प्रॉब्लम कर सकता है जो हमारा सेंसिटिव पार्ट होता है, तो प्लीज नेवर ट्राई दिस होम एंड कभी भी ट्राई मत करना, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ अंदर की बातें अबाउट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अभी हमने ऊपर ऊपर से देखा है, यह देखा है कि भाई कंडक्टर में चार्ज दौड़ेगा, इंसुलेटर में चार्ज नहीं दौड़ेगा, अपन झुकेगा नहीं, अपन फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में स्लोली स्लोली करेगा लेकिन करेगा, ठीक है, कंडक्टर में बहुत फास्ट करेगा, इंसुलेटर में नहीं करेगा, और सेमीकंडक्टर में स्लोली स्लोली करेगा लेकिन करेगा, ठीक है, यह हमने देख लिया है। अब कुछ अंदर की बातें बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो बात बताने जा रहा हूं कि करंट गुड कंडक्टर यानी कि कंडक्टर में कैसे बहुत तेज फ्लो करता है, और करंट इंसुलेटर में क्यों नहीं फ्लो कर पाता है, और करंट सेमीकंडक्टर में मीडियम अमाउंट में कैसे फ्लो करता है। अब वो राज मैं बताने जा रहा हूं, शायद ये राज आपको पता नहीं होगा लेकिन वो राज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों ने बस आज तक रट्टा मारा होगा कि कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो करता है, और सेमीकंडक्टर में हल्का फुल्का फ्लो करता है, बस ये रट्टा किसी ने मरा दिया और आपने रट्टा मार लिया। तो शायद उसको सेटिस्फाइंग एंसर, आप सोचिए कि कैसा होता है, उसका आंसर मैं तैयार करके लाया हूं, अरे शुरू गाइस, तो उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। चलो देखते हैं कि कंडक्टर में ऐसा क्या वजह है इसके अंदर करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता है, सेमी कंडक्टर में ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से इसमें मीडियम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। चलो अंदर से लेते हैं इसकी गहराई में जाके, पहले हम किसका स्टार्ट करेंगे गाइस, कंडक्टर, पहले हम किसके लेंगे भाई, कंडक्टर, ठीक है। चलो कंडक्टर क्या बोलता पब्लिक, कभी सोचा है, क्या सोचा है, कभी सोचा है कंडक्टर्स में करंट फ्लो क्यों करता है, चलो देख लेते हैं भाई, ऐसा नोट्स कहीं मिलेगा क्या। कभी कभी ना मुझे अपने नोट्स से प्यार हो जाता है, सच्ची बता रहा हूं, पहले अपने नोट्स नहीं बनाता था लेकिन आप लोगों ने मुझे थोड़ा आदत से डाल दी है कि अपने बच्चों को नोट्स दू, ठीक है, और मुझे मुझे लगता है मेरे बच्चे मेरे नोट्स बहुत पसंद करते, वेट करते हैं,
इसलिए मैं अपने शब्दों को यहां पर उतार देता हूं, अपनी सोच को यहां उतार देता हूं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा अगर नोट्स आपके पास है, उस नोट्स को देख के भी आप चैप्टर को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वाई कि मैं ऐसा नोट्स क्रिएट करता हूं कि मुझे मतलब मेरी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, एक बार नोट्स मिल गया तो, ठीक है गाइस। बहुत से मैंने ऐसे लोग को देखा है, मुझे अच्छा भी लगा एक्चुअली, ठीक है, कि मेरे कुछ बच्चे थे उनको नोट्स देने लगा मैं, और उनको ऐसा नोट्स दे देता था कि वो टीचर बन गए, क्योंकि उनको इतना मजा आ गया ना टीचिंग में और नोट्स देख के कि उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक टीचर का स्टूडेंट उनको फॉलो करते टीचर बन जाए, इट्स गुड टू सी गाइस। आई होप कि आपके अंदर भी टीचर डेवलप हो, और टीचिंग करना इज गुड थिंग, इससे आप लोगों का भविष्य बनाते हो और एक बहुत अच्छा काम है, ठीक है। सो अगर कोई टीचर बनना चाहते इसको मेरा फुल सपोर्ट है, और टीचर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम बच्चों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, और एजुकेशन ही ऐसा चीज है यार जिसको आप शेयर करके अपने भी नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, साथ में दूसरे को भी नॉलेज दे सकते हो। दुनिया में बाकी चीजों को बांटने से घट जाता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज, जितना इसको आप बांटोगे उतना आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा। तो मुझे अच्छा लगता है अपने नॉलेज को शेयर करना, ठीक है। तो आई होप कि आपके अंदर भी टीचर जागे, आप भी भविष्य में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टीचर बनो, और एक अच्छा टीचर बनो, और वही काम करो जो मैं काम कर रहा हूं, अपनी नॉलेज को शेयर करो और लोगों का भविष्य बनाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कभी देखते हैं, कभी सोचा है कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, चलो आज देख ही लेते हैं, अंदर जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है गाइस, आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू द ग्राफ। चलो ऐसे देखो, एक मैंने एक्सेस लिया ऐसा, ठीक है, एक एक्सेस लिया है, ऐसे एक्सेस बोल सकते हो, ये वाई है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है गाइस, और ये आपका ओरिजिन है। तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बना है, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर मैंने देखो दो चीजें लिया है, एक मैंने ऊपर का एक लिया है, एक ऊपर का ऑब्जेक्ट लिया है, एक नीचे का ऑब्जेक्ट लिया है, दो मटेरियल लिया है, ठीक है, दो मटेरियल लिया है। कंडक्टर में क्या होता है, देखो कंडक्टर में क्या होता है, दो चीजें होती है, ठीक है, दो चीजें हर जगह होती है, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमी कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, ये दो चीजें हमेशा रहेंगी। कौन सी चीजें? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये दोनों चीजें हर जगह रहती है, चाहे जो एलिमेंट, चाहे जो मटेरियल हो, ठीक है, हर जगह रहती है। तो हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, किसकी? कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। दो चीजें होती हैं, वैलेंस बैंड होता है, इसको प्यार से बीबी बोल सकता हूं, बीबी मंजे वैलेंस बैंड, और एक कंडक्शन बैंड मंजे कंडक्शन बैंड सीबी, ठीक है, और इनके बीच का थोड़ा गैप दिख रहा होगा, दिख रहा है गैप, दिस इज द गैप, ये होता है एनर्जी गैप, ईजी, ई मतलब एनर्जी एंड जी मतलब गाइस गैप, एनर्जी गैप, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर दो चीजें हैं, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, नीचे हमेशा वैलेंस बैंड रहता है, ऊपर हमेशा कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, और इनको इसमें कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बहुत नजदीक रहते हैं, दे आर वेरी नियर टू, राइट, काफी नियर रहते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, वैलेंस बैंड में होल्स रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। देखो वैलेंस बैंड, सॉरी बोल रहा हूं, कंडक्शन बैंड में जो होता है कंडक्शन बैंड, इसमें होल्स रहता है, इसमें होल्स रहता है, दिख रहा, होल्स दिख रहा होगा, कंडक्शन बैंड में होल्स रहता है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, वैलेंस बैंड हमेशा बैलेंस रहता है, भरा हुआ रहता है, किससे भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है। अगर वैलेंस बैंड को हल्का सा टेम्परेचर देंगे, अगर वैलेंस बैंड में हल्का सा टेम्परेचर आता है, तो वैलेंस बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी दुनिया में आग लग जाता है, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया था, और वो आग मतलब होता है उनके अंदर हीट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होके वो अपना सरफेस छोड़ के ऊपर भागते हैं, ठीक है, और ऊपर भागते फटाक से किसके पास पहुंच जाते हैं, कंडक्शन के पास पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि कंडक्शन पर बहुत नजदीक होता है, तो उनको पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, किसको? इलेक्ट्रॉन को, कंडक्शन बैंड के पास पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, और फटाफट जाके यहां पर क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। एक बार बॉन्ड बन गया मतलब वहां पे करंट फ्लो करना चालू हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल मिल जाता है, मतलब होल मतलब पॉजिटिव,
उसको प्रोटॉन मिल जाता है। होल्स का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का साइन निगेटिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास इजिली पहुंच जाता है क्योंकि इन कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो दूरी होता है, एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम रहता है, इसलिए हीट होते ही फटाक से इसके पास पहुंच जाता है और जिसके वजह से इसके अंदर करंट क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। समझे मेरी बात? पता था कि आप लोग को? चलो आगे बताता हूं। नेक्स्ट, अब देखो इंसुलेटर, कभी सोचा है इंसुलेटर में करंट फ्लो क्यों नहीं करता? चलो बता देता हूं, ठीक है? कभी सोचा है? बस किसी ने एक्टा मरवा दिया होगा, इंसुलेटर में नहीं होता है। हवा से इंसुलेटर में नहीं होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, कभी सोचा भाई? नहीं सोचा ना, आज सोच ही लो, ठीक है? चल क्या अंदर की बात है, आओ मैं बताऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ठीक है? चलो फिर से वही वाली बात, ऐसा ग्राफ बनाना है, खच खच खच, ठीक है? वो तो आपको आ जाएगा। ओके गाइस, और ये किसकी ले रहे हैं हम लोग भाई, किसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? इंफॉर्मेशन, ठीक है? इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो होते ब्रा, इसमें तो कोई एक बैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, लेकिन यहां पर एक चीज आपने नोटिस कर लिया होगा, क्या बोलो तो बता दू, बता दू कि आप समझ गए? आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये समझ गए होंगे कि सर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप इज लार्ज, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? तो जब इसको हम लोग टेम्परेचर के संपर्क में लाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो एज यूजुअल इसकी दुनिया में आग तो लगेगा, इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होकर उड़ेगा भी किसके पास पहुंचने के लिए? कंडक्शन बैंड के पास पहुंचने के लिए। लेकिन माय डियर, इसके बीच का दूरी इतना ज्यादा है कि बेचारा पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। भाई डिस्चार्ज होने का नहीं है, कुछ खास दिन आता है, ठीक है? डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होने के बाद भाई काम खत्म, टाटा बाय बाय, तुम तो गए हो, ठीक है? अभी डिस्चार्ज, ठीक है? तो भाई पहुंचने को इसका था, डिस्चार्ज हो जाता है। अब जहां भाई डिस्चार्ज हुए वहीं तुम्हारा पत्ता कट, ठीक है? तो भाई होले होले अंडरस्टूड। तो यहां पर बेचारा कोशिश तो करता है इलेक्ट्रॉन मैं पहुंच जाऊं, लेकिन भाई दूरी बहुत दूरी रहती है, जिसके वजह से वो दूरी अधूरी रह जाती है और जिसके वजह से उनका टाका नहीं भिड़ पाता है, मतलब बॉन्ड नहीं हो पाता है, ठीक है? मेहनत भाई बर्बाद, पैसा बर्बाद हो जाता है, जिसके वजह से इंसुलेटर का बॉन्ड नहीं बन पाता है। और ये बॉन्ड नहीं बन पाता है तो भाई वहां पर करंट कैसे फ्लो होगा, ठीक है? समझा गाइस? चलो अगला आ जाओ भाई, सेमीकंडक्टर हाजिर हो, आ गया भाई सेमीकंडक्टर। कभी सोचा है गाइस सेमीकंडक्टर में मीडियम अमाउंट ऑफ करंट क्यों फ्लो होता है? आइए देख ही लेते हैं, चलो उसको भी दिखा देता हूं, आ जाओ। तो ये है दृश्य किसके लिए? सेमीकंडक्टर, आ जाओ सेमीकंडक्टर। सेम ग्राफ बनाओ, अच्छा 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 अच्छा, लाइक दिस। ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है? अब यहां पर एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास होल्स, होल्स मतलब प्रोटॉन से जहां पर गपचुप में जाके अंदर घुस जाएगा, ठीक है? तो भाई अब इसकी दुनिया मैंने आग लगा दिया, टेम्परेचर आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया, ठीक है? तो आग लगा डाला भाई, तो आग लगते ही इसकी दुनिया में भाई भगदड़ मच जाएगा और ये अपना सरफेस, जैसे कि आपने पिक्चर देखा है, कौन सा पिक्चर था यार, गोलमाल, गोलमाल शायद 3 में, ठीक है? जिसमें अजय देवगन उंगली तोड़ता है सबका, याद आया? तो उसमें तुषार कपूर से कुछ तो ऐसा रहता है सीन, जैसे तुषार कपूर गुस्सा होकर अजय देवगन शायद या कोई ऐसे उसको ना पानी पूरी जिसपे रगड़ा बनाता है उसके तवे में बैठा देता है। फिर भाई जानते हो तुषार कपूर के राम प्यारे में आग लग जाता है, लाइक दिस, समझे? ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, भगदड़ भागो, बहुत दुख रहा है, ठीक है? तो भाई जब इसके जब इसका सिकेगा, जब यहां आग रहेगा तो भागेगा ये, अब भाग के किसके पास जाना चाहेगा? कंडक्शन बैंड के पास जाना चाहेगा, और क्योंकि कंडक्शन बैंड थोड़ा सा नजदीक है कंपेयर टू इंसुलेटर वाला, तो ये हल्का फुल्का करंट पहुंच पाए, ज्यादा नहीं पहुंचेंगे लेकिन हल्का फुल्का पहुंच पाएंगे, जो थोड़ा ताकतवर रहेंगे, ठीक है? जितना वही जिसके पास पावर होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जो नजदीक, ठीक है, जो हिम्मत करके, इसलिए यहां पर मीडियम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा क्योंकि एनर्जी गैप मीडियम है, इसीलिए। सबको समझा मेरी बात? इतना समझ में आया गाइस? चलो अब मैं यहां से
चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूं, सेमीकंडक्टर का डिटेलिंग बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने देखो इससे हुआ क्या, मैं आपको चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। आपको ये भी बता दे कंडक्टर क्या होता है, ये भी बता सेमीकंडक्टर क्या होता है, अब आपको पता चलेगा सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ रहा हूं, ठीक है। सीधा बता देता सेमी लैब 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 रट रट तो गलत था, मैं चाहता हूं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलो, राइट इंफॉर्मेशन मिले, एक एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन मिले, एक मजेदार इंफॉर्मेशन मिले जिसको पढ़ने का दिल करे, ठीक है। तो यही कुछ मैं सोच के आपको नोट्स क्रिएट करता हूं। आई होप मुझे आप जरूर सपोर्ट करते हो, हमारी टीम को सपोर्ट करते हो, आपको मजा आता है, हमारे साथ कभी बोर नहीं होते, ठीक है। तो चैप्टर भाई शुरुआत करते हैं। नहीं, शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपका व्यूज जान लूं, मूड कैसा है आप लोग का अब तक का सेशन अटेंड करने के बाद, और एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि चैप्टर सच में भाई लल्लन टाफ है, ठीक है। चलो देखता हूं आपका मूड क्या चल रहा है इतना लेक्चर अटेंड होने के बाद। नाउ आई एम चेकिंग गाइस, अपने ओपिनियन बताओ फटाफट, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है बताओ। हेमंत भैया को मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हेमंत भैया को मैं फॉलो करता हूं, वो उनका मुझे बॉडी, उनका क्या बोलते हैं, उनका स्टंट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सर। गाइस मजा आ रहा है, गाइस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं, चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। चला लोकर संगा पब्लिक, चला संगा लोकर पटकन। सर कभी कभी चैट भी कर लिया करो बा ससुरी, चैट करेंगे तो पढ़ाएगा कौन, वैसे आ गया था काफी दिन के बाद, ठीक है। ओके गाइस ओके, चलो ठीक है ओके ओके ठीक है, स्टार्ट करें बेटा इस चैप्टर का, ठोको यार फटाफट ठोको यार, ठोको ठोको। देखो मैंने बताया था मुंबई में एक चीज मशहूर है, अब समझ गए क्या, ठीक है, उसके साथ ये भी मशहूर होना चाहिए, ठम ठम ठम। चलो ओके, चलो मैं बंद कर चैट बंद करने जा रहा हूं, और मैं अभी आप लोग से कैमरे में देखूंगा, ठीक है। चैट मैंने बंद कर दिया, सेमीकंडक्टर के लेंगे भाई, कह के लेंगे वो चैप्टर भाई मजेदार है, हर एक चैप्टर की अपनी कहानी होती है, बस टीचर उसको इंटरेस्टिंग बना दे। सेमीकंडक्टर दो टाइप में मिलेंगे आपको, एक यंग टाइप का और एक पी टाइप का, ठीक है गाइस। नाउ अब बात करते आगे, एक यंग टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे वर्क करता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल पे रहता है। मतलब सेमीकंडक्टर अलग अलग टाइप के नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर दो टर्मिनल पे, एक दो टर्मिनल को शो करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को शो करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को शो करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को शो करने वाले सेमीकंडक्टर के डिवाइस को क्या कहते हैं बेटा, हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे एक्ट करके सेमीकंडक्टर का काम करता है उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आगे करंट फ्लो, ओके, जैसे यहां मान लो यहां पर सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, जैसे कि यहां पर देखो एक आपका, जैसे मान लो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब मैं सेमीकंडक्टर का डायग्राम बता रहा हूं, एक साइड पी रहता है, एक साइड एन रहता है, पी मतलब एक साइड पॉजिटिव रहेगा, एक साइड नेगेटिव रहेगा, इसी को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। P मतलब पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, N मतलब नेगेटिव सेमीकंडक्टर, और ये किसके साथ काम करते हैं, डायोड के साथ काम करते हैं। अब डायोड क्या होता है, डायोड ये होता है दिख रहा है बीच वाला, ये डायोड होता है। अब डायोड को नीचे से अच्छे से जानने के लिए नीचे आ जाओ, आपको बताता हूं थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं पहले। N टाइप क्या होता है, N P टाइप टुगेदर फॉर्म द जंक्शन, N टाइप एंड P टाइप साथ में क्या बनाते हैं, जंक्शन बनाते हैं, जंक्शन पे मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। देखो यहां पर डायग्राम देखो गाइस, दिख रहा है डायग्राम, जो मैंने डायग्राम बनाया था देखो, ऐसा एक P रहता है, एक N रहता है,
तो दोनों एक जंक्शन बनाते हैं जहां पर मिलते हैं आपस में, तो ये जंक्शन रहता है, दिस इज जंक्शन। और इसी जंक्शन को क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं डायोड। क्या कहते हैं? डायोड, जहां पे पी और एन आपस में आके मिलते हैं। पी मतलब पी टाइप और एन मतलब एन टाइप। इसमें रहता है पॉजिटिव, इसमें रहता है नेगेटिव, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चल आगे। ओके, अब डायोड जो आ गया बेटा, डायोड कितने टाइप का हो सकता है? एक फॉरवर्ड डायोड होता है और एक रिवर्स डायोड होता है। ठीक है, डायोड कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स। क्या बोलता पब्लिक? एक होता है रिवर्स। ठीक है, चलो फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दो टाइप के डायोड होते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड डायोड को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड डायोड को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस भी कहते हैं। और रिवर्स डायोड को हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायस भी कहते हैं। सबको समझा? मतलब एक चीज ध्यान दो, देखो डायोड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक फॉरवर्ड डायोड और एक रिवर्स डायोड। फॉरवर्ड डायोड को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और रिवर्स डायोड को हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायस कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? करंट लेफ्ट से राइट में जाता है, करंट लेफ्ट से राइट में जाता है। ठीक है, देखो लेफ्ट से जाता है राइट में, कौन? करंट। अंडरस्टूड ऑर नॉट? लेफ्ट से राइट में जाता है। और रिवर्स में क्या होता है गाइस? रिवर्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रिवर्स में क्या होता है कि करंट जो रहता है राइट से लेफ्ट की तरफ जाने को चाहता है, लेकिन ये अरेंजमेंट क्या होता है? रॉन्ग अरेंजमेंट होता है। कभी भी करंट लेफ्ट से राइट में नहीं जाता है, हमेशा करंट दो सॉरी कभी भी करंट राइट से लेफ्ट में नहीं जाता, हमेशा करंट कहां जाता है? लेफ्ट से राइट में जाता है। लेफ्ट से राइट में जाएगा लेकिन राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा। मतलब ऐसा बता देता हूं, जैसे कि मान लो सर्किट है, ये कोई सर्किट है और यहां मैंने लगा दिया बल्ब लगा दिया गाइस बल्ब, और उस सर्किट को मैंने जोड़ के रखा ऐसा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या होगा? करंट यहां से फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा और जाके बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, और अगर सपोज मैंने सेटअप ऐसा किया है, सेटअप मैंने कैसे किया है, यहां पर आपका नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव है, ऐसा यहां पर मैंने बल्ब लगा दिया है और मैं चाहता हूं कि बल्ब जल जाए, तो भाई ये इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता करंट, हमेशा करंट इधर से निकलता है, लेफ्ट से निकलता है, तो ये रॉन्ग अरेंजमेंट है, दिस इज रॉन्ग अरेंजमेंट, रॉन्ग। ठीक है, ये इज राइट अरेंजमेंट। तो जान दो बेटा, दो टाइप का आपका डायोड होता है, एक होता है फॉरवर्ड एक होता है रिवर्स। ठीक है, फॉरवर्ड वाला ज्यादा सक्सेसफुल होता है, रिवर्स वाला कम सक्सेसफुल होता है। फॉरवर्ड वाला करंट को फ्लो करने में मदद करता है और रिवर्स वाला करंट को घुमा देता है, मतलब कहीं कहीं पर हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, इसको हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका अरेंजमेंट रॉन्ग होता है और क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये अरेंजमेंट आपका प्रॉपर, इससे आप हमेशा करंट को हमेशा क्या कर सकते हो? फ्लो कर सकते हो। दिस इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है गाइस, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बायस डायोड क्या होता है? अभी यहां पर मैंने लिखा था ना, देखो बायस फॉरवर्ड बायस, तो बायस का मतलब क्या होता है? ठीक है, बायस का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहां भी बायस लिखा हुआ है। अब बायस का मतलब क्या होता है वो आपको बता देता हूं। देखो बायस किसकी जगह पर आया था? डायोड की जगह पर आया था, राइट? तो द डायोड विच कैन अलाउ डायरेक्ट करंट, ऐसा देखो द डायोड विच कैन अलाउ डायरेक्ट करंट, उसे क्या कहते हैं? बायस डायोड कहते हैं, जिसमें करंट डायरेक्टली फ्लो कर जाए बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, उसे क्या कहते हैं बेटा? बायस डायोड कहते हैं। और एक रिवर्स डायोड होता है, रिवर्स बायस्ड होता है, रिवर्स बायस्ड जो करंट को मतलब डायरेक्टली फ्लो नहीं कर पाता, जो रिवर्स के पास आता है, उसको लिखने का कुछ मतलब नहीं क्योंकि उसका कुछ मतलब होता नहीं है। आ जाओ अब फॉरवर्ड बायस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस को हम लोग क्या करते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, वही हो गया फॉरवर्ड बायस का मैंने बताया था डायग्राम कैसा दिखता है, ऐसा डायग्राम रहता है जिसके अंदर आपका जो सेटअप रहता है राइट साइड, देखो इस साइड लेफ्ट साइड में आपका क्या था? पॉजिटिव रहता है, राइट साइड में नेगेटिव रहता है, और इस साइड करंट क्या करता है? फ्लो कर लेता है। तो अगर ऐसा सेटअप रहे तो इसमें करंट क्या कर लेगा? फ्लो कर लेगा, और इसमें करंट क्या होगा? पॉजिटिव से ऐसा जाएगा, अंडरस्टूड ऑर नॉट? ऐसे जाएगा, अंडरस्टूड ऑर नॉट? और क्या हो जाएगा? यहां पर ऐसा पहुंच जाएगा और ऐसे यहां पर पहुंच जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर होगा क्या?
यहां पर यह होगा कि ऐसे ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, और बाद में क्या होगा, ऐसे ऐसे जाके यहां पर चला जाएगा, अंडरस्टूड। और नेगेटिव ऐसे ऐसे से जा रहा है और नेगेटिव ऐसे ऐसे आके यहां पहुंच जाएगा। सर ये क्या लगाया है, ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड लगा हुआ है जो पी और एन होता है, मतलब पी और एन का जो जंक्शन होता है उसे आप क्या कहते हैं, पी और एन मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है, और उसे जंक्शन जो जंक्शन बनता है साथ में आने उसे डायोड कहते हैं, तो पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है, जहां पे चार्जेस उसके पास कुछ इकट्ठा होते रहते हैं, ऐसे पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव इधर से और मिक्स हो जाएगा, फिर पॉजिटिव ऐसे यहां पर पहुंच जाएगा और यहां से नेगेटिव जा रहे हैं नेगेटिव के पास ऐसे जाके यहां पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये सर्कल सर्किट कंप्लीट होता रहेगा और करंट क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। यहां पर ध्यान दो, रिवर्स बायस क्या होता है या उल्टा होता है, मैंने बताया था आपको, इसके अंदर देखो अरेंजमेंट कैसा दिया गया, रॉन्ग अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है, नेगेटिव साइड दे दिया, पॉजिटिव साइड दे दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने की ऑन करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव पी और एन ऐसे रहेंगे, पी और एन जो है ऐसे रहेंगे, तो यहां पर चार्ज स्टोर रहता है, डायोड के पास कुछ चार्ज खुद से स्टोर करके रखता है, इसके पास चार्ज इकट्ठा रहता है, पी के पास पॉजिटिव चार्ज बैठा रहता है, एन के पास नेगेटिव चार्ज बैठा रहता है, कुछ स्टोर फॉर्म ऑफ चार्ज लेके वो बैठे रहते हैं। तो होता क्या है, जब डायोड को सर्किट से कनेक्ट करेंगे अपन, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आप इधर भाग के चला जाएगा और इधर भाग के चला जाएगा, तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर नेगेटिव के पास आ जाता है और ये नेगेटिव अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव के पास आ रहा है, जिसके वजह से यहां पर साइकिल नहीं बन पाता। साइकिल समझते हो, करंट का फ्लो करता है जब ऐसा साइकिल ऐसा गोल गोल बनता है पूरा, जैसे कि कैसे ऐसे पॉजिटिव से अगर ऐसे जाता और ऐसे घूम के अगर यहां पर आता तब यहां पर करंट फ्लो कर सकता था, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्योंकि आगे नेगेटिव बैठा हुआ है और पॉजिटिव को क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए रहता है, क्योंकि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव भागता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जा रहा था तब तक इसको ये मिल गया, ठीक है, और ये इसको ये मिल गया, तो दोनों का काम हो गया, तो दोनों एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं अपने प्लेस को, ठीक है, दोनों आपस में अगल बगल से काम चला लेते हैं, इसलिए सर्किट वहां पर कंप्लीट नहीं हो पाता है पूरा सर्किट साइकिल में, जिसकी वजह से ये इसमें अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो, नो करंट फॉर्म लिख सकते हो, करंट इसके अंदर बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, करंट कब बनता है बेटा, जब टर्मिनल देखो करंट कब बनता है, जैसे मान लो ये आपका सेटअप है पॉजिटिव, ये मान लो आपका स्विच है, ठीक है, ये आपका मान लो बल्ब है, ठीक है, ओके, ये आपका ऐसे सेटअप है, तो ये राइट सेटअप है, यहां पर क्या होगा, मैं यहां पर स्विच ऑन करूंगा, ये खचा ऑन कर दिया, तो यहां से करंट फ्लो करना चालू हो गया, अब करंट ऐसे फ्लो होके यहां पर जाके बत्ती जल जाएगा, क्योंकि राइट सेटअप है, क्योंकि करंट ऐसे जाके ऐसे ऐसे यहां पर आ रहा है, मतलब यहां से जाके ऐसे ऐसे लेफ्ट पे आ रहा है, राइट से जाके देखो देखो पॉजिटिव से जाके ऐसे 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 घूम के ऐसे यहां पर आ रहा है, तो ये पूरा अरेंजमेंट है, ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, अगर ऐसा होता तो करंट फ्लो करता, ठीक है, लेकिन यहां हो क्या रहा है, ये यहां तक फटाक इधर तक जाता है, उसके बाद आगे नहीं जाता, और ये यहां तक जाता है आगे तक नहीं जाता, ये वाला ऐसे यहां पर नहीं जा पा रहा है, ये वाला ऐसे यहां पर नहीं जा पा रहा है, इसकी पहुंच सिर्फ इतना है और इसकी पहुंच सिर्फ इतना है, ठीक है, ये पूरा गोल नहीं घूम पाते जैसे घूमना चाहिए, जिसके वजह से करंट फॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि सिस्टम रॉन्ग हो जाता है, मजे लेने लगते हैं, रास्ते में ही कुछ मिल जाता है तो आंख मिचोली करने लगते हैं, ठीक है, और ये क्या रहता है, सेटअप बरोबर है, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आपस में मिलके आगे बढ़ के यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों को चलना रहता है, इसको भी पहुंचना है यहां पर, इसको भी यहां पहुंचना है, इसको भी यहां पहुंचना है और इसको भी यहां पहुंचना है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, मतलब सिस्टम बरोबर रहता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट फॉर्म होता है भर्राटेदार, बहुत तेज, एकदम खतरनाक, ठीक है, इसके अंदर करंट फॉर्म होता है, करंट फॉर्म, ठीक है, इसमें करंट भर एकदम खतरनाक फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो इतना समझ में आ गया आप लोग को, आगे आ जाओ। अब ये बड़ा जिनर डायोड, क्या होता है बड़ा जिनर डायोड, हालांकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल नहीं करना है, ठीक है, इसका छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। जिनर डायोड क्या होता है गाइस, विच वर्क एज ब्रेक डाउन रीजन वोल्टेज, ये क्या करता है, जैसे कि मान लो कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है,
अब सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करना है, कम करना है, मतलब होले होले करना है या फिर करंट के फ्लो को रोकना है। तो ऐसे में किसका इस्तेमाल करते हैं उस सर्किट में, जिनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। जिनर डायोड लगा के हम क्या कर सकते हैं पता है, उस सर्किट में करंट के फ्लो को रोक सकते हैं। इसलिए इसका नाम है ब्रेक डाउन, मतलब करंट के फ्लो को ब्रेक करता है, मतलब रोकता है, ठीक है। इसके लिए जिनर डायोड का इस्तेमाल करते हैं और उसका सिंबल ऐसा दिखता है, उसका जो होता है जिनर डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा दिखता है, मतलब डायोड बनाओ ऐसा, डायोड ऐसा बनाने का, ऐसा बनाने का, ठीक है। ऐसा ये होता है आपका पी रहता है, एक आपका एन रहता है, पी मतलब पॉजिटिव, रहता नेगेटिव। अब इसमें ब्रेक डाउन करना है तो एक इधर घुमा दो, एक इधर घुमा दो, तो ये आपका क्या बन गया, सिंबॉल बन गया, किसका, जिनर डायोड का, जिसका काम एक ही रहता है करंट के फ्लो को बैलेंस करना। बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको स्टॉप कर देना फ्लो को। आ जाओ अगला बेटा रेक्टिफायर। क्या बेटा, रेक्टिफायर क्या होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ये ध्यान दीजिए बेटा, एसी को अ डिवाइस, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, कन्वर्ट करने काम करता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, समझा आपको, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। आगे आ जाओ, टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के दो बिटुआ भैया, ध्यान दीजिएगा भूलना मत। एक बिटुआ का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे बिटुआ का नाम भैया क्या है, फुल वेव है, क्या बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको भी लेंगे कह के, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है बेटा। एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान दीजिएगा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है भाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कितने टाइप का, दो टाइप का होता है, एक का नाम हाफ वेव, एक का नाम फुल वेव, समझा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों का लेंगे डेरिवेशन है, बेटा हाफ वेव और फुल वेव दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ नोट, नोट देख लो यहां पर, नोट क्या बेटा, नोट अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हम किसके हम नोट पढ़ने जा रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में नोट्स पढ़ रहे हैं। विच रेक्टिफायर ओनली वन हाफ पॉजिटिव साइकिल, ये हाफ वेव क्यों कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव क्यों कहलाता है, कभी सोचा है, उसका जवाब मैंने दिया है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ हाफ पॉजिटिव साइकिल को क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। आपको पता है करंट कैसे फ्लो करता है, खच्चा 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 ऐसा फ्लो करता ना, खच्चा 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 खच्चा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको पता है फुल साइकिल क्या होता है, पता है ना फुल साइकिल गाइस, फुल साइकिल क्या होता है, देखो यहां से, देखो यहां से यहां हाफ हो गया और यहां से यहां हाफ हो गया, तो हाफ हाफ मिला के क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है, ये सिर्फ इतना ही रेक्टिफाई करेगा, इसको नहीं टच करेगा, ठीक है, इसको नहीं कर पाएगा, अंडरस्टूड। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफाई करता है, मतलब इसके रेक्टिफिकेशन मतलब करंट के फ्लो को बढ़ा देता है और एसी से डीसी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, क्योंकि ये हाफ पॉजिटिव साइकिल को ही, सर पॉजिटिव साइकिल को कहलाता है ये, क्योंकि बेटा ध्यान दो, देखो ऐसा बनता है ना, तो उप्पू निच्चू, उप्पू निच्चू, तो उप्पू का पॉजिटिव रहता है, निच्चू का नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो ओनली हाफ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव को ही करेगा, इसको नहीं करेगा, हमेशा सिर्फ इसको ही करेगा, इसको नहीं करेगा, आगे चल के इसको करेगा, इसको नीचे जो है इसको नहीं करेगा, तो किसको करेगा, आगे चल के सिर्फ इसको करेगा, सर इसको कोई छोड़ रहा है, हाफ वाले नीचे को कोई छोड़ रहा है, नेगेटिव हाफ को नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव हाफ को करता है, कौन, हाफ वेव रेक्टिफायर, सिर्फ पॉजिटिव, देखो लिखा है हाफ पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करता है, और ये सब हाफ पॉजिटिव साइकिल, ऊपर वाले सब पॉजिटिव रहते हैं, नीचे वाले सब क्या होते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो हाफ पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ता है। सर नीचे वाला छूट रहा है तो कैसे 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 कंप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए फुल वेव रेक्टिफायर आ जाता है, जो इसको क्या कर देता है, इसको उसको क्या कर देता है, इसको जो आपका है ना, इसको ऊपर कन्वर्ट करके क्या बना देता है, पॉजिटिव साइकिल बना देता है। पढ़ाऊंगा धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, बस इतना समझ लो, हाफ वेव में सिर्फ ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहलाता है बच्चों, क्योंकि ये सिर्फ हाफ वेव, हाफ पॉजिटिव वेव को ही रेक्टिफाई करता है, दिस इज द रीजन कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है, बिकॉज ओनली वन डायोड यूज, सर कभी सोचा है, क्योंकि ये हाफ पॉजिटिव साइकिल को ही रेक्टिफाई क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर
सिर्फ एक डिवाइस, ठीक है, सिर्फ वन डायोड इस्तेमाल होता है जिसके वजह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। सर अगर दोनों मतलब दो वेव मतलब फुल वेव रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए कितना डायोड चाहिए, मतलब कितना जंक्शन चाहिए, तो उसके लिए दो डायोड चाहिए रहता है। अगर पूरा साइकिल मतलब फुल वेव रेक्टिफाई करना है, पूरे प्रोसेस को रेक्टिफाई करना है, पूरे प्रोसेस में स्पीड बढ़ाना है करंट का, ठीक है, तो उसके लिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा और दो डायोड लगाना पड़ेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर यहां पर क्या रहता है, वन डायोड इस्तेमाल रहता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो जाता है, नीचे वाला नहीं हो पाता, क्योंकि नीचे को रेक्टिफाई करने के लिए उसके पास ताकत नहीं रहता है, ताकत के लिए उसको दो डायोड चाहिए, और दो डायोड किसके अंदर मिलेंगे, फुल वेव वाले मिल जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। आ जाओ आप ग्राफ बता देता हूं, ग्राफ देखो थोड़ा, डायग्राम, ग्राफ मतलब डायग्राम आपकी बुक का दिया गया। देखो इसमें क्या रहता है, दो एक कॉइल रहता है, एक कॉइल है आप कॉइल, यहां पर एक प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, दोनों ऐसे जोड़ो। ट्रांसफार्मर देखा है, छोटा छोटा ट्रांसफार्मर आपके एरिया में होता है, वहां पर एक बोर्ड रहता है, उसको ऐसे इलेक्ट्रिशियन जब आता है कुछ प्रॉब्लम होता है, सब बोर्ड को ऐसे निकालता है, दूसरे में से लाल डाल देता है, चिपक जाते हैं, चिपकू आंदोलन कर लेते हैं, यहां पर मैग्नेटिक जोन रहता है, ये चिपका लेता है, ठीक है, ये मैग्नेट रहता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल कुछ जोड़ लेता है जिससे इसका इसका बॉन्ड बन जाता है। और यहां होता क्या बेटा, यहां पर यह होता है कि जो एसी रहता है, एसी इनपुट रहता है, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हम पढ़ क्या रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे ना, तो हाफ वेव में क्या होता है, एसी को हमें डीसी बनाना है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी बनाना, ठीक है, तो एसी डीसी बनने जा रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करके। तो इसमें होगा क्या, जब इस कॉइल को जोड़ दिया जाता है तो इस ये यहां से क्या हो जाता है, करंट फ्लो करके डीसी में बन जाता है, ठीक है, यहां पर एसी को इनपुट करंट देंगे तो ये हमें क्या देगा, डीसी आउटपुट करंट देगा, ठीक है गाइस, यहां पे आउटपुट करंट मिल जाता है डीसी के फॉर्म में, लेकिन इस पे करंट के वजन में दम नहीं रहता है, क्योंकि यहां पर उतना बढ़िया करंट का वैल्यू हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हाफ रेक्टिफिकेशन है, जिसकी वजह से नीचे का जो साइकिल जो था जो छूट जा रहा था वो इसके वजह से यहां पर इसमें दम नहीं आ पाता है, ठीक है, ये कमजोर टाइप का रहता है। यहां देखो ग्राफ देख लो, ग्राफ देखो इनपुट से क्या हो रहा है, इनपुट से हमें क्या आ रहा है, इनपुट से हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, जो एसी आ रहा है यहां से, एसी आ रहा है, एसी इनपुट आ रहा है, ठीक है, इनपुट करंट आ रहा है, जो एसी इनपुट करंट आ रहा है, तो वहां अगर हाफ वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा पता है, ये होगा कि सिर्फ पॉजिटिव वाला ही क्या होगा, रेक्टिफाई होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला रेक्टिफायर हो रहा है, नीचे वाला नहीं दिखेगा, नीचे वाला देखो नहीं दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ ऊपर का ही दिख रहा है, क्योंकि हाफ रेक्टिफायर ऊपर वाले को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ जाता है, नीचे को रेक्टिफाई नहीं करता है, जिसके वजह से देखो यहां पर नीचे कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा दिखता हो यहां पर देखो, ये कैसा है आपका, तो ये कैसा है, उपो निच उपो निच उपो निच उपो, और हाफ वेव क्या करता है, सिर्फ प्लस 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 वाले को रेक्टिफाई करके आगे आगे बढ़ता है, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ते जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही डायोड होता है, इसीलिए इसे नीचे वाले को नहीं कर पाता है, ठीक है, ओके, उसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है गाइस। चलो हाफ रेक्टिफायर का अब बात करते बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर ये क्या करता है, रेक्टिफाइज फुल साइकिल, ये पूरे साइकिल को क्या करता है, रेक्टिफाइज करता है, ठीक है, ये पूरे साइकिल को छोड़ता नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, रिवर्स बायस बिकम फॉरवर्ड बायस बिकॉज ऑफ डबल डायोड, ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, ये फुल रेक्टिफायर है पहली बात, तो फुल वाला क्या करता है, जो नीचे छूट जा रहा था नेगेटिव वाला उसको भी क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला क्यों छूट रहा था, क्योंकि नीचे वाला रिवर्स बायस था, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस था, तो फॉरवर्ड वाला क्या होता है, बराबर रहता है, वो आगे निकल जाता है, लेकिन नीचे वाले का लफड़ा रहता है, तो लफड़ा को हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं उसको सॉल्व कर पाया था, तो उसके लिए फुल वेव रेक्टिफायर आया, और फुल वेव रेक्टिफायर इस प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, जो बच जा रहा था उसको क्या करेगा, रिजॉल्व कर देगा, क्या बच रहा था, नीचे वाला बच रहा था, नीचे वाला कौन भाई, वो क्या बोलते हैं, यहां देखो ना, यहां पर कहा गया, देखो नीचे वाला वेव बच रहा था ना, ये बच रहा था ना, ये वाला बच रहा था,
क्योंकि इसमें क्या था, ऊपर का जो साइकिल होता है पॉजिटिव ना, वो आपका फॉरवर्ड रहता है, ठीक है, और नीचे जो रहता है वो आपका रिवर्स रहता है, ठीक है, ये आपका रिवर्स रहता है। तो हाफ रेक्टिफायर फॉरवर्ड पॉजिटिव को क्या कर, रेक्टिफाई करके आगे बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ही डायोड था। लेकिन जब फुल रेक्टिफायर आएगा तो ये जो रिवर्स को, जो रिवर्स नीचे वाला जो रिवर्स था निगेटिव वाला, उसको क्या बनाएगा, फॉरवर्ड बना देगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, अपना ताकत से इसको ऊपर कर देगा, ठीक है, जो बच जाएगा उसको भी ऊपर ले लेगा। अंडरस्टूड और नॉट, समझा कि नहीं समझा, उसको फॉरवर्ड बना देगा क्योंकि इसके पास डबल डायोड, डबल इंजन की सरकार, ठीक है, डबल इंजन की सरकार भाई बहुत खतरनाक होती है। चलो तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस बिकम फॉरवर्ड बायस बिकॉज ऑफ डबल डायोड, क्योंकि इसके डबल डायोड रहता है, डबल पावर रहता है, जिसके वजह से जो बस जा रहा था वो भी क्या हो जाता है, तू भी आ जा भाई, ठीक है, तो जो बच्चे वाला वो भी आ जाता है साथ में, इसके वहां पर काम भारी हो जाता है, काम भारी हो जाता है। अब इसका डायग्राम देखो जरा, यहाँ पर सेम डायग्राम है, प्राइमरी कॉइल है बेटा, ये सेकेंडरी कॉइल है, दोनों को चिपकू आंदोलन करने आएगा, क्योंकि यहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, चिपकू जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसी का जो वोल्टेज करंट जा रहा है इससे चिपक के इस पे आ जाएगा और डीसी बनाएगा, ठीक है, डीसी आउटपुट देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक डायोड, दो डायोड, दो डायोड लिखे रहे, इसलिए काम भारी हो जाता है, ले काम 25, ठीक है, इसके वजह से क्या हो जाता है, मजा 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 हो जाता है, और जो बच जा रहा था वो भी ले फ्लो करने लगता है, ठीक है, इसके वजह से यहां देखो भाई, निच्चू आओ, निच्चू निच्चू देखो, निच्चू देखो, निच्चू देखो, देखो निच्चू देखो, देखो यहां पर क्या था, ये आपका ग्राफ है, ग्राफ में क्या होता है आपको पता ही है, जनरल ग्राफ है, जनरल जनरल, इसमें क्या होना चाहिए, यहां से एसी आ रहा है, ठीक है, एसी आ रहा है, ठीक है, एसी आ रहा है, वो तो एसी दे रहा है, लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए ना, रेक्टिफायर यहां पर हमने क्या लगाया बेटा, हाफ नहीं फुल लगाया है, क्या लगाया, फुल, फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया, फुल वेव, ठीक है, जो बचा था वो भी नहीं बचेगा अब, क्योंकि फुल आ गया है, तो फुल वेव क्या करेगा, रिवर्स को भी फॉरवर्ड बना लेगा, ठीक है, दो डायोड आने का रीजन यही था। देखो यहाँ बीच में पहले खाली था ना, पहले बीच में खाली था कि नहीं खाली था, देखो भर गया, सब भर गए, जो नीचे बच जा रहा था ऊपर आ गया, जो बच जा रहा था ऊपर आ गया, किसके वजह से, किसके वजह से, फुल वेव रेक्टिफायर की वजह से भाई साहब, और इसके वजह से यहां पर क्या हो जाता है, काम 25, मतलब करंट लबालब भरने लगता है, ठीक है, करंट फ्लो करने लगता है, समझा गाइस। अब आ जाओ भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्रांजिस्टर, क्या बड़ा, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या बोलता पब्लिक, ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर्म बाय एनपीएन एंड पीएनपी, ये दो चीजों से बना रहता है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और ये दो तरीके से बनता है, एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी, दो तरीके से ये बना होता है, समझे क्या बच्चे लोग, दो तरीके से बना रहता है। और ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक तरीके से बोल दो भाई, सिग्नल देता है, जैसे मान लो रिमोट है, आई हैव अ रिमोट और सामने लगा है टीवी, ठीक है, और मैं इस टीवी को कहां से कंट्रोल कर रहा हूं, रिमोट से, रिमोट सिग्नल दूंगा और वही काम मेरा क्या करेगा, टीवी करेगा। तो यहां से ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल डेवलप करके रिलीज करता है, ठीक है, और सिग्नल वहां पर जाके इंफॉर्मेशन देता है कि भाई थारा भाई बोल रहा है, ठीक है, कुछ खतरनाक लगाने के लिए, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो डर के मारे लगा देता है, ठीक है, अंडरस्टूड नॉट, और नहीं लगाएगा तो किसको फोड़ूंगा मैं, इसको फोड़ूंगा, इसको पता है अगर यहां से मैं इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो थारा भाई या फिर हर एक आम आदमी, जब रिमोट नहीं चलता तो क्या करते हैं, इसका सेल निकालेंगे, नंगा करेंगे, सेल डालेंगे, पटका पटकी करेंगे, फिर हाँ चल गया चल गया चल गया, तो मार खाना पड़ेगा ना इसको, तो फटाक सिग्नल दे देगा ये और सामने टीवी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल डेवलप करते इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो भाई ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है और दो तरीके से बना रहता है, एक एनपीएन एक पीएनपी, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हो 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 ला 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 ला। गाइस मजा आ रहा है कि नहीं, मन ने बड़ी जोर का पानी प्यास आया, और कोई स्टूडियो में है नहीं भाई, पानी कोई दे दो, आई नीड सम वाटर, मन ने बड़े जोर की आई है प्यास, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ा के ले लेंगे, पानी पी लेंगे। अरे हेमंत बहुत अच्छे समय पाए, पानी है क्या, हाँ है क्या, भरा ही हो, अरे ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, पता नहीं चला। ओके बच्चों रिवाइज करो जरा, ठीक है,
और मैं बस मिलता हूँ 1 मिनट के बाद, ठीक है? ठोको यार गाइस, ओ गाइस, 264, क्या यार क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? हाँ ठोको 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 भाई, यहाँ पे पानी मैं पी रहा हूँ, पानी पानी कार्तिक हो रहे हैं, क्या बात है। गाइस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गाइस मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? हाँ अब चैप्टर से आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या आपको चैप्टर से डर लग रहा है? क्या आपको फिजिक्स से डर लग रहा है? क्या इतना चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि अच्छे नंबर लाओ लाओगे कि नहीं लाओगे? कमेंट करो, मैं देखता हूं। नो फियर नो फियर नो सर, नहीं सर नहीं डर रहे, नहीं डर रहे सर। नेहा साठी मराठी बोला ना, ना नेहा बुरा मान जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यार ठोको यार, कितना ठुकाई हुआ है? 391 ठुकाई पहुंच चुका है यार। 1000 तो कर दो एक बार। हाँ विदाई होने वाली है वन शॉट से। हाँ वन शॉट से, उसके बाद आएंगे आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट लेके, जैसे कि महा रिविजन लेक्चर, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। एक गुड न्यूज़ बता रहा हूँ, मेरा सर से बात हुआ है एंड हमने डिसाइड किया वन शॉट खत्म होने के बाद आप सबका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन आने वाला है। फिजिक्स का तो भाई मैं ही लेने वाला हूँ, बाकी सर से बात कर लेना सर किसको लगाने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स हम लेंगे, ठीक है? और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम करके देंगे एंड वन शॉट पर रिवाइज करके रखना आप लोग। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक लेंगे और जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो महा रिविजन लेक्चर ले लेंगे, ठीक है? मैराथन लेक्चर ले लेंगे। तो वी हैव ऑल बोल सकते हो कि आइडिया कि आपको कैसे क्या कराना है, तो टेंशन मत लीजिए। और इसके ऊपर आप लोग कमेंट मत करा करिए कि सर सॉल्यूशन बैंक भेजिए ऐसा वैसा, क्योंकि हमें पता है, हमें भी ये पता है, हम भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उसको बाद आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज वी अंडरस्टैंड, हमारा अगला मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा के देंगे, ठीक है? इतना बिलीव करके रखो अगर न्यू इंडियन एरा को आप दिल से फॉलो कर रहे हो, तो उसको कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपकी बात को दिल से समझ रहे हैं। आप बोल उसे पहले हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, आपको सब करा के मिलेगा। ओके ओके गाइस, चलो आ दो, नेक्स्ट स्टार्ट करते गाइस, नेक्स्ट स्टार्ट आ दो भाई। हमने भाई पानी पी लिया है, आप लोग भी पी लिया हो, कोई निकाला निकाल के जल्दी आ दो, फटाक से स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट हो रहा है। चैप्टर को गहराई में जाके लेना है, चैप्टर बहुत चिंदी है, अच्छे से लेंगे, मस्त लेंगे, फिजिक्स को चिरकुट बना देंगे, ठीक है? सच में फिजिक्स चिरकुट है, ठीक है? बस फिजिक्स को इस तरह ट्रीट करो, अगर आप डरोगे तो डराएगा, जिसके अंदर डर बैठ जाता है वैसा डरपोक ही रहता है, डरने का नहीं, ठीक है? कह के रहने का, समझ के रहने का। आ जाओ तो ट्रांजिस्टर बता दे मैंने क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक एक सिग्नल फॉर्म करने वाला डिवाइस होता है बेटा, और वो दो तरीके से बना होता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ देयर आर थ्री सेक्शन इन ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर में तीन भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं. ट्रांजिस्टर के दो टाइप होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी. लेकिन ट्रांजिस्टर के जो एनपीएन और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर तीन सेक्शन होते हैं गाइस. देयर आर थ्री सेक्शन, तीन सेक्शन होते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. दैट इज इमिटर, बेस एंड कलेक्टर. इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ये तीन भाग होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में. ट्रांजिस्टर कितने टाइप का? एनपीएन और पीएनपी होता है. और उसमें कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं, ठीक है. कौन कौन सा? इमिटर, बेस एंड कलेक्टर रहता है, जो इन्हीं तीनों जगह पे आके बैठता है. यहां कोई बैठेगा, एक यहां पर बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा, एक यहां बैठेगा. तो दो टाइप का होता है सेमीकंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर बोल रहा हूं, ट्रांजिस्टर. यहां पर ट्रांजिस्टर पढ़ रहे ना, ट्रांजिस्टर का नाम लो. तो दो टाइप का होता है एनपीएन एंड पीएनपी, और उसके अंदर तीन भाग होता है इमिटर, बेस एंड कलेक्टर. लुक लाइक कैसा, ऐसा दिखता है, उसके तीन भाग ऐसे दिखते हैं. अगर मैंने मान लो एनपीएन बनाया, एनपीएन एनपीएन, तो यहां पर क्या आएगा, क्या इमिटर आएगा, पी बीच में जो रहता है वहां पर बेस आएगा, और एन जहां पर साइड वहां पर कलेक्टर आएगा, ठीक है. तो ऐसे अगर एनपीएन अरेंजमेंट किया है तो इमिटर, बेस, कलेक्टर ऐसा दिखेंगे, ठीक है गाइस. मतलब यू कैन से कि ऐसे किसी भी ट्रांजिस्टर, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, उसके अंदर ऐसे एन वाला मतलब यहां पर, एन वाला मतलब इमिटर रहेगा, यहां पी मतलब यहां पर बेस रहेगा, यहां मतलब एन मतलब यहां पर क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा, ठीक है. ऐसे अरेंजमेंट किए रहते हैं. तो इन्हीं लोग क्या करते हैं, यहां पर सिग्नल फॉर्म करने में मदद करते हैं. एक क्या करता है, सिग्नल को इमिट करता है, इसको बैलेंस करता है, सिग्नल को कलेक्ट करके आगे बढ़ा देता है. स्ट्रक्चर ऑफ एनपीएन, एनपीएन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है. एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर होता है, सिंबॉलिक मतलब कैसे डिजाइन होता है, उसको देख लेते हैं. तो एनपीएन में क्या होता है बेटा, एनपीएन में यहां पर क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, एनपीएन की बात करें ना, देखो यहां पर क्या होता है, यह आपका एन, यह आपका पी, यह आपका एन है, ठीक है, एनपीएन, ठीक है. तो एनपीएन में क्या होता है, एक जगह पर आपका क्या रहेगा, इमिटर रहेगा, एक जगह पर आपका बेस रहेगा, एक जगह पर आपका कलेक्टर रहेगा. तो ऐसा डायग्राम बना लेना, फिर से बता देता हूं. पहले क्या करोगे, ऐसा गोल गोल गोला, ठीक है, उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा बनाना, फिर उप्पू एक निच्चू कर देना, ठीक है. यहां पर जो बीच में रहता है, देखो एन यहां पर, पी यहां पर, एन यहां पर, एक जगह पे इमिटर होता है, एक जगह पे पी पर बेस रहेगा, बीच वाला बेस रहता है, और साइड वाला क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा, ठीक है गाइस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा. तो अब यहां पर ऐसा बन चुका है. हम पढ़ क्या रहे बेटा, एन पी एन, एन पी एन पढ़ रहे ना, और इसमें आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा. क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन, क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन. देखो यहां पर डायरेक्शन दिख रहा होगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन एनपीएन, डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन देखो अंदर साइड है, देखो डायरेक्शन, देखो अंदर डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे जाके ऐसे होके यहां पर पहुंचेगा. तो डायरेक्शन अंदर है, अंदर समझते हो, अंदर डायरेक्शन है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अंदर डायरेक्शन है. मैं आपको बाद में बताऊंगा याद कैसे करना है. अब आगे चलते बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ पीएनपी देखते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ पीएनपी देखते हैं. थोड़ा ध्यान दो यहां पर, पीएनपी थोड़ा सा यहां पर देखो, यहां पर, यहां पर देखो ध्यान से, फिर से वैसे बनाना है, ठीक है, पीएनपी, ठीक है. तो यहां पर पी रहेगा, यहां पर एन रहेगा, यहां पर पी रहेगा, ठीक है, पीएनपी, पीएनपी. तो यहां पर क्या रहेगा, आपका इमीटर, यहां पर आपका बेस, यहां पर कलेक्टर, ठीक है गाइस. तो पी एन पी, अंडरस्टूड, ऐसा रहेगा. तो अब यहां पर क्या हो रहा है, डायग्राम ऐसा सेम टू सेम डायग्राम है, बट डायरेक्शन यहां पर अलग है. यहां पर थोड़ा डायरेक्शन में चेंज आया, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, शायद वहां पर रॉन्ग हो गया है, क्योंकि वो क्या था, पीएनपी है, ये आपका, ये आपका पीएनपी है, वो आपका एनपीएन है. तो ये डायग्राम आपका राइट है, वो डायग्राम आपका डायरेक्शन के हिसाब से रॉन्ग था. इसके अंदर चार्ज अंदर जाएगा, और इसके अंदर ना चार्ज बाहर आएगा, क्योंकि यहां पर मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा यहां बाहर आएगा, यहां रॉन्ग हो गया है, यहां बाहर आएगा, ठीक है, यहां बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आएगा. तो ये ध्यान दीजिएगा. तो कैसे याद करोगे सर, कंफ्यूज हो सकते हैं, सर कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बताता हूं. देखो यहां पर
दो टाइप होता है, कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूं। देखो एक होता है एनपीएन, ठीक है, एनपीएन मतलब इमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, ऐसा रहता है। तो एनपीएन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा गोला, फिर ऐसा 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 ऐसा, इतना कर लेना। फिर यहां पर आपका एन, यहां पर पी, यहां पर एन रहेगा। एन मतलब यहां पर इमिटर, इमिटर, यहां पर बी मतलब बेस, यहां पर कलेक्टर, ठीक है, ऐसा बना लेना। अब क्या करना है आपको, डायरेक्शन बनाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऐसे आपको बना देता हूं पीएनपी, पीएनपी, तो पीएनपी मतलब क्या हो जाएगा, इमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो अब यहां डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा गोल गोल, ऐसा 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 ऊपर, एक ऐसा नीचे, यहां पर पी है आपका, यह आपका एन है, यह आपका पी है, ठीक है। पी पर यहां पर क्या है, इमिटर, ऐसा बनाना, यह आपका बेस है, यह आपका क्या है, कलेक्टर है, ठीक है। अब देखो दोनों डायग्राम कैसे दिख रहे हैं, दोनों डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम, दोनों सेम दिख रहे हैं ना, लेकिन सेम नहीं है, डायरेक्शन का इशू है, डायरेक्शन प्रॉब्लम है। तो आपको याद दिलाता हूं, यहां पर क्या होगा पता है, बाहर आएगा, यहां पर बाहर आएगा, ठीक है, यहां बाहर आएगा, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये अंदर जाएगा, ठीक है। सर कैसे आ जाएगा एग्जाम में, भूल गए तो, एग्जाम में अगर ऐसा आया तो हमने इसका उसका, इसका उसका उसका इसका कर दिया तो नहीं करोगे, बता देता, ट्रिक है, ट्रिक, ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, क्या बता देता हूं। देखो यहां पर क्या है, एनपीएन है, ये डायग्राम किसका है, एनपीएन, ठीक है, डायग्राम किसका, एनपीएन का है। और आप क्या करो, एन दिख रहा है, एन दिख रहा है स्टार्टिंग का, एन, एन मतलब मानो निकास, समझते हो, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट होता है, एग्जिट, एग्जिट समझता है, निकास, आउट, आउट, निकास मतलब आउट, बाहर जा, बाहर, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंदर से बाहर आ रहा है, याद रहेगा। अब इसमें देखो ये अंदर जा रहा है, देखो अंदर जा रहा है, गोले में अंदर जा रहा है, तो यहां पर क्या है, पीएनपी है ना, ये किस टाइप का है, पीएनपी टाइप का है, तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको मतलब प्रवेश, 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 प्रवेश समझता है, अंदर, ओके, मतलब अंदर जाना, गो टू इनसाइड, गो टू इनसाइड, इसमें अंदर जाएगा और इसमें बाहर निकलेगा, ठीक है गाइस, क्यों बाहर कैसे निकलेगा, देखो निकास, एन मतलब निकास, निकास मतलब बाहर आना, ठीक है गाइस, और ये प्रवेश, प्रवेश मतलब अंदर, मतलब अंदर जाना। तो कैसे याद रखोगे, एनपीएन, एनपीएन वाला डायग्राम, ये एनपीएन वाला है, तो आप पहला देख के, एन है ना, एन से स्टार्ट हो रहा, मतलब निकास, बाहर निकलेगा, निकलेगा, चल निकल, ये पीएनपी वाला है, पीएनपी डायग्राम है, तो पी में क्या होता है, प्रवेश होता है, मतलब अंदर जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को याद कर सकते हो गाइस, ये आइडिया आपको समझा, क्या आपको ये आइडिया समझा गाइस, यस और नो, क्या आपको ये आइडिया समझा, क्या आपको ये आइडिया समझा गाइस, क्या आपको आसान है, अब डायग्राम बना सकते हो, क्या अब आप बना सकते हो, कोई टेंशन, ओके 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 गाइस, चलो करेंट इन द ट्रांजिस्टर, करेंट इन द ट्रांजिस्टर, करेंट ट्रांजिस्टर में कैसे आता है, तो करेंट क्या होता है, ऐसे ये फॉर्मूला याद कर लो, ये करेंट का ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने का फॉर्मूला याद रख लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला है करंट का ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो करने का, ठीक है। तो करंट थ्रू द इमिटर इक्वल टू करंट थ्रू द बेस प्लस करंट थ्रू द कलेक्टर, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, वह जरूरी नहीं है लेकिन ये आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, चलो अगला कैमरा फोटोडायोड, अगला कैमरा फोटोडायोड है या फोटो सेल कह सकते हो, ठीक है,
फोटो डायोड बोलो या फोटो सेल बोलो। अब फोटो सेल से याद आया, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं सोलार सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोलार सेल। ठीक है, सोलार सेल में क्या होता है, करंट बनता है लेकिन उतना वोल्टेज का नहीं बनता जितना कि नॉर्मल जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से आता है। ठीक है, सोलार सेल से काम तो चल सकता है लेकिन उतना हाई वोल्टेज सोलार सेल से अपने को करंट नहीं मिल सकता। जो हम लोग सूर्या भाई का इस्तेमाल करके घरों में गांव में सोलार पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करते हैं ना, उसे सोलार सेल कहते हैं, उसको फोटो डायोड भी कहते हैं और फोटो सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो करंट फॉर्म होता है ना, बहुत कम वोल्टेज का फॉर्म होता है, इसलिए वो सेमी कंडक्टर में आता है। ठीक है, तो उसका सोलार सेल का जो सिंबॉल है ऐसा है, ये डायोड है आपका, डायोड डायोड है आपका। ठीक है गाइस, ये डायोड है, ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, पीएन है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव है। अब उसमें क्या होता है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सन्नी भाई के रेज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो रेज ऐसे आते हैं, ऐसे रेज आते हैं ऊपर से, तो उस रेज के आने के बाद ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये फंक्शन करने लगता है, कोल सोलार सेल फंक्शन करने लगता है। ठीक है, इसलिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, विच मेक द सोलार एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो डायोड क्या होता है गाइस, फोटो डायोड मतलब फोटो सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलार एनर्जी को मतलब सन्नी भाई की ऊर्जा को इस्तेमाल करके क्या करता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इसके पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। चलो आगे आ जाओ, एलईडी जो होता है वो भी आपका आपके सेमी कंडक्टर में आता है, वो कम ऊर्जा खाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, गवर्नमेंट किसको प्रमोट करता है, एलईडी लाइट को प्रमोट करता है। एलईडी क्या होता है, आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है लेकिन उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देने के लिए कम वोल्टेज लेता है, कम वोल्टेज पे ज्यादा काम करता है, इसलिए सब लोग एलईडी का लाइट लगाते हैं। एलईडी का लाइट लगाना फायदेमंद रहता है क्योंकि वो लगाने से आपके घर का बिजली का बिल बहुत कम आएगा। हालांकि मार्केट में एलईडी की लाइट बहुत महंगे मिलते हैं क्योंकि उनको पता है ये एक बार लेके जाएगा तो मेरे घर पे मेरे दुकान पे जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ये ड्यूरेबल रहता है, बहुत ज्यादा सर्विस देगा और इसका भाई बचत होने वाला है, इसलिए मार्केट में थोड़ा महंगा रहता है ये, लेकिन काम बहुत भारी करता है, आपके महीने का बिल बचाता है। ठीक है, इसलिए एलईडी लाइट लगाओ और देश में बिजली की अनावश्यक उपयोग को कम करो। ठीक है गाइस, तो एलईडी जो होता है वो भी सेमीकंडक्टर होता है क्योंकि वो कम वो करंट लेता है और ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ठीक है, चलो, अ डिवाइस विच कैन इमिट द लाइट, ऐसा डिवाइस जो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है, उसे एलईडी कहते हैं। और ये क्या होता है गाइस, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल सोलार सेल का उल्टा रहता है। सोलार सेल क्या करता है, ऐसे ले रहा था तो ये देगा, मतलब क्या दे रहा है पता है, लाइट दे रहा है। ठीक है, डिवाइस डायोड होता है, एक ऐसा डायोड होता है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, एक ऐसा डायोड होता है जो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं एलईडी। अंडरस्टूड, ये आप सिंबल याद रखिएगा। करंट गेन करना है। ठीक है, करंट गेन, अगर आप टॉपिक है बेटा करंट गेन, तो करंट गेन मतलब किसी डिवाइस में करंट आ रहा है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो करंट गेन का फॉर्मूला है अल्फा डीसी इक्वल टू आईसी अपॉन आईई। अल्फा डीसी क्यों, क्योंकि करंट एसी से आता है, कहां पर आता है, डीसी के पास आता है, क्योंकि रेक्टिफायर की तरह काम करता है ना, तो डीसी के पास आता है, मतलब करंट गेन हो चुका है। एसी इनपुट है मतलब देने वाला, और लेने वाला कौन होता है, जो देता है, केमिस्ट्री भाषा में लॉस करता है, जो लेता है उसे क्या करते हैं, गेन कहते हैं। अंडरस्टूड और नॉट, इसलिए यहां पर डीसी लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, करंट गेन है तो क्या हो जाएगा, अल्फा डीसी इक्वल टू करंट थ्रू द कलेक्टर एंड कलेक्ट, इमिट्स कितना हुआ है और कलेक्ट कितना हुआ है, इमिट कितना हुआ है और कलेक्ट कितना हुआ है, उससे आपको करंट गेन मिल जाएगा। ठीक है, करंट कलेक्ट एंड कलेक्ट, इमिट कितना इमिट हुआ, उसमें कितना आपका कलेक्ट हुआ है, उससे आपका गेन का पता चल जाएगा। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। करंट एम्पलीफिकेशन, ठीक है, आपको करंट को बढ़ाना है, करंट आ रहा है लेकिन डिवाइस में करंट को बढ़ाना है, तो उसके लिए बीटा डीसी का इस्तेमाल करना, किसका इस्तेमाल करना, बीटा डीसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना, और उसमें बेस करंट को क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है, लेके अपने करंट को एम्पलीफाई करके बढ़ा लेता है, आगे कर लेता है, बेस करंट से उधारी ले लेता है, भाई मुझे दे दे, कलेक्ट करके आगे लेके क्या कर देता है, करंट को बढ़ा देता है।
देखो बीटा डीसी कहते हैं और करंट एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं अपन। आ जाओ अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है बेटा, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर गेट। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? गेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉजिक गेट, मार्केट में कितने गेट हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, झोर गेट। तो मार्केट में बेटा देखो कितना गेट बताया मैंने, देखो यहां पर भाई आजा एक बार, आजा 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 आजा। हम लोग गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, इसको नंद गेट भी पढ़ सकते हो लेकिन मैं नैंड पढ़ता हूं, नैंड गेट, नॉर गेट एंड झोर गेट। एक होता है एक्सोर गेट लेकिन उस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके अगर बोलू ना तो इंपॉर्टेंट कितने हैं, यहां से लेके इतना इंपॉर्टेंट है, ये गेट आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो गेट दिया है एक और दिया गया एक्सोर, एक्सोर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपके आफ्टर ट्वेल्थ मतलब जब डिग्री में आप जाओगे, ठीक है, तब आप पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छे पढ़ लेंगे, झोर तक पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा सर ये वो गेट है, इंडिया गेट तो नहीं आएगा क्या? कोलगेट वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं वो सब नहीं आएगा, वो अलग गेट होता है, ठीक है। ये गेट क्या करता है पता है? ये गेट किसी भी डिवाइस को स्मार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्मार्ट बनाते हैं। एक होता है कोडिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक में, उसे हम कहते हैं गेट, ठीक है। और उस गेट का इस्तेमाल करके किसी भी डिवाइस को हम क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, उस डिवाइस में नए नए फंक्शन डालते हैं और उस डिवाइस को हम क्या करते हैं? स्मार्ट डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी स्मार्ट डिवाइस आपके समय आ रहा है, जैसे कि अलेक्सा आ रहा है, नया नया फीचर्स आ रहा है, नया नया एप्लीकेशन आ रहा है, नया नया अपडेट आ रहा है मोबाइल में, तो ये सब गेट के थ्रू होता है, ठीक है गाइस। तो गेट एक टाइप का आपको एक कोडिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आपको हेल्प करता है डिवाइस को अपडेट करने में, उसको स्मार्ट बनाने में, ठीक है गाइस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले हम किसको पढ़ेंगे? एंड गेट को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंड गेट को पढ़ेंगे। और मैं इसके लिए बोलूंगा आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, दिल से रिक्वेस्ट है। क्योंकि गेट हमेशा बच्चे नहीं समझते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार वह समझ जाते हैं फिर दूसरे को समझाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे क्या करें, समझाना शुरू कर दें अपने फ्रेंड्स को, जिसको नहीं समझा उसको आज का लेक्चर अटेंड करो आप लोग, और अपने अपने कॉलेज स्कूल में जाओ, तेरे को नहीं आता चल तू मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा आपको ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंट आना चाहिए, यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट। चलो एंड गेट की स्टार्ट करते बेटा। अ प्रोडक्ट ऑफ इनपुट, ओके, पहला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ इनपुट टू और मोर इनपुट वन आउटपुट। एंड गेट में क्या होता है इसके अंदर ध्यान दो, इसके अंदर क्या होता है? टू और मोर इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट आपको एक ही रहता है, वन आउटपुट रहता है। मतलब इसमें आप दो इनपुट दोगे तो एक आउटपुट मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक की भाषा है। फिलहाल आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जो बताता हूं बस उसको ध्यान से देखते जाओ, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा, बायफोकल लेना पड़ेगा, साइंस बायफोकल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में रहता है, या फिर आप आगे चल के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, और इलेक्ट्रॉनिक ESTC इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक इन टेली कम्युनिकेशन एंड ऑल मीडिया, ठीक है। और उसके बाद ये बोलते हैं ना CS वगैरह लेके आप इसको समझ सकते हो। ये सब काफी डिटेल में है लेकिन ऊपर ऊपर से आपके बुक में बताया गया, लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि आप स्कीप मत करो, चैप्टर को गहराई में जाके ले लो, चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंट आ जाए, ठीक है। चलो तो एंड गेट में क्या होता है बेटा? दो आपके इनपुट होते हैं और एक आपका आउटपुट होता है, इतना ध्यान देना, ठीक है। दो इनपुट देना, एक आउटपुट मिलेगा। सिंबल इसका कैसा रहेगा बेटा? सिंबल कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, सिंबल ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा करना, खच्चा 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 और खच्चा खच्चा और खच्चा खच्चा एंड खच्चा खच्चा, ठीक है, ऐसा कर लेना। इसमें दो इनपुट दोगे आप, एक इनपुट दो इनपुट, दो इनपुट दे दिया तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। मान लो मेरा आउटपुट Y है, ए ये आपके इनपुट रहेंगे, ये आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है गाइस। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको फिलहाल मत देखना, किसको बगल में दिखा रहा हूं कुछ, इसको फिलहाल ना देखो, क्योंकि ये क्या है पता है? ये एंड हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंड गेट पढ़ रहे हैं ना, एंड गेट पढ़ रहे हैं। और ये जो बताया हूं मैं नैंड गेट का एग्जांपल बताया हूं, जब हम नैंड पढ़ेंगे इसका उल्टा होता है, एंड गेट का उल्टा नैंड गेट होता है,
नाइंड गेट। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वाला, ये नाइंड गेट का है, जो अभी आपको कमिंग सून है, अभी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ध्यान उस पर दो कि ये किसका डायग्राम है, एंड गेट का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आप दो क्या देते हो, इनपुट देते हो तो एक आउटपुट निकलता है, तो आउटपुट इक्वल टू इनटू, इनटू का प्रोडक्ट कर देना, ठीक है गाइस। चलो अब इसका क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल देखते हैं, क्या देखते हैं, ट्रुथ टेबल, अंडरस्टूड। ट्रुथ टेबल मतलब सर ये तो सर जो मैथ्स का जो चैप्टर है लॉजिक वैसा है क्या, लगभग लगभग कुछ चीजें ऐसी है, ठीक है, उसमें भी ट्रुथ टेबल आपने पढ़ा होगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, मेरे को आता है मैथ्स, ठीक है। चलो तो ट्रुथ टेबल, एक साइड इनपुट लिखना, एक साइड आउटपुट लिखना। तो इनपुट में आपने क्या लिखा है, ए एंड बी, आउटपुट में आपने वाई इक्वल टू ऐसा लिखा है। चलो मैं एक आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा आपको नहीं समझेगा, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, एक मैं आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं गाइस, एंड गेट, ठीक है, इसके बारे में बताना है, टू इनपुट एंड वन आउटपुट, यह होता है, ओके, सिंबॉल क्या होता है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, दो इनपुट लगाओ, उसके बाद ऐसा कुल्फी बनाओ आइसक्रीम वाला, उसके बाद ऐसा लगा दो, तो दो इनपुट मान लो ए और बी है, आउटपुट आपको वाई मिल रहा है, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया, स्वाहा। अब आ जाओ ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा इसका, कि अगर मिला आउटपुट तो कैसे मिला, ठीक है गाइस। चलो तो ट्रूथ टेबल मैं बगल में बनाता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा ऐसा, ऐसा फॉर्म बनाऊंगा ऐसा, ठीक है, ये आपका रहेगा इनपुट, ये रहेगा आपका आउटपुट, ठीक है, ऐसा रहेगा। इनपुट में आप कितना इनपुट दे रहे हो, दो इनपुट दे रहे हो, एक ए दे रहे हो एक बी दे रहे हो, बराबर आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, वाई इक्वल टू ए इंटू बी मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं कुछ बॉक्स बना लेता हूँ, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स है, चार बॉक्स, ठीक है, चार बॉक्स बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने का, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ तो लेने वाला हूँ, ठीक है, समझा के लेने वाला हूँ, चलो समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं समझाने के लिए सर्किट डायग्राम बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, सर्किट डायग्राम, चलो बना लेता हूँ, ऐसा एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर सेल लगा दूंगा, बैटरी यहाँ पर लगा दूंगा उसका की, और यहाँ पर बना दूंगा ऐसा, ठीक है, एक एक आपका स्विच हो गया, दो स्विच हो गया, दो स्विच बना दिया। अब इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से, बल्ब से, किससे कनेक्ट कर दूंगा, बल्ब से, ठीक है गाइस। चलो ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका के की है, ठीक है। चलो अब यहाँ से करंट फ्लो तो कर रहा है, मैंने देखो इसको ऑन किया, ध्यान दो एक चीज़, एक नोट कर लेना, नोट एक चीज़ नोट कर लेना आप लोग, नोट ये करना कि अगर मैंने ऑन बोला, क्या बोला, ऑन, तो आप जीरो लेना, अगर मैंने ऑफ किया, ठीक है, या ऑफ किया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना, वन कर देना, ऐसे बता देना, ऑन जीरो, ठीक है गाइस, और ऑफ वन, या ऐसा भी कर सकते हो, अपना अपना मानना है, कोई ऑन को वन मान लो और ऑफ को, ठीक है, जीरो मान लो, मतलब एज योर विश। देख लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या बनाया, पहले देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया भाई, ठीक है, समझ गया, आ जाओ वहाँ पर मैंने जो बनाया वही कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे तो बोलोगे अब नोट्स में कैसा बना है और सर ने ऐसा बना दिया है, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, नोट्स वाला बना देता हूँ। और मतलब मान लो वन और ऑफ मतलब मान लो जीरो, नोट्स में मैंने ऐसा लिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बोला ऑन है तो वन, ऑफ है तो जीरो लेना है, ठीक है गाइस। चलो यहां पर दो स्विच है, हेमंत स्विच दिखाई दे रहा है क्या,
ये पॉइंट पर दिख रहा है, देखो दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। दो स्विच है, एक स्विच ये है स्विच वन, एक स्विच टू है सबका। अब मुझे यहाँ पर जलाना है, ठीक है जलाना है। ये दो इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। समझाने का बहुत आसान तरीका लाया हूं, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है। चलो अब पहले को मैंने क्या किया, ऑफ किया, पहले को मैंने क्या किया ऑफ किया, ये वाला मान लो ऑफ है मतलब ऐसे, लेकिन इसको मैंने ऑन कर दिया, ऑन समझते हो, इसको मैंने ऐसा दबा दिया, इसको अटैच कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा ऑन कर दिया, ऐसा ऑन कर दिया, ये ऑफ है या ऑन है। पहला वाला क्या है ऑफ है, ऑफ समझते हो जीरो, और दूसरा वाला मतलब मान लो ए, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देता हूँ ए बी कर देता हूँ, ये आपका ए है या आपका बी है, ठीक है ए वाला है, कंफ्यूज मत हो इसलिए बना देता हूँ, ये आपका ए है, तो ए वाला ऑफ है मतलब अभी तक उसको स्विच को ऑन नहीं किया हूँ, ऊपर है, ऑफ मतलब देखो जीरो लिया हूँ। बी वाला ऑन कर दिया, ऑन के लिए वन है, ठीक है देखो ये इसको ऑन कर दे, तो यहाँ करंट जा रहा है, तो क्या यहाँ पर ये बैटरी जलेगा, क्या बैटरी जलेगा बताओ कमेंट में, क्या बैटरी जलेगा, क्या बैटरी जलेगा बताओ। यहां से चार्ज मैंने फ्लो, यहां चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर मैंने बैटरी ऑन मतलब यहां पर स्विच ऑन करके रखा है, क्या पूरा कनेक्शन हो पा रहा है, क्या यहां पर लाइट जलेगा बच्चों, लाइट जलेगा नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये पहला वाला भाई क्या है, ये ऑफ करके रखा हो, ये सुन लो, अगर इसको ऑन कर दूंगा तभी बैटरी जाएगा, तभी जब करंट जाएगा ना, करंट सिर्फ यहां से यहीं जाके रुक गया, यहां नहीं पहुंच पा रहा है, यहां पहुंचाने के लिए इसको यहां क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा भाई साहब, ये झुका नहीं है, इसको पुष्पा कर डालो कि आ गया, झुकेगा नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर नहीं चलेगा। तो यहां पर आपका ये ऑन होगा, क्या क्या आपका आउटपुट ऑन होगा, ऑन नहीं होगा, क्या होगा ऑफ होगा, तो यहां पर क्या आएगा जीरो, समझा कैसे आउटपुट निकाला हम लोगों ने, यहां पर क्या आएगा जीरो मतलब ऑफ आएगा, हमारा आउटपुट क्या रहेगा ऑफ रहेगा, समझा गाइस, समझा गाइस, हमारा आउटपुट क्या रहेगा ऑफ रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे केस दूसरा, दूसरा केस करते हैं, ठीक है इसको मैं फिर से नॉर्मल में ले आता हूं, ठीक है दूसरा केस फिर से, ये आपका दो स्विच है, ठीक है पहले वाले को मैंने ऑन कर दिया, पहले वाले को मैंने ऑन कर दिया, दूसरे वाले को ऑफ रखा, पहला ऑन है बेटा, पहला ऑन है दूसरा ऑफ है, क्या ये जलेगा, पहला ऑन दूसरा ऑफ है, क्या ये जलेगा, क्या ये जलेगा, क्या ये जलेगा, क्या जलेगा बताओ तुम, क्या जलेगा बेटा, क्या जलेगा, नहीं जलेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये भी समझा, नहीं जलेगा, अंडरस्टूड नॉट। अच्छा सुनो, कुछ लोग मेरे नोट्स को कॉपी कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे नोट्स को कॉपी कर रहे हैं और मुझे चैट कर रहे हैं कि सर जो नोट्स में जिस पैटर्न में आप बताए उस पैटर्न से आप नहीं जा रहे हो, उस पैटर्न में आपने यहां जीरो लेके यहां जीरो किया है। अरे कोई बात नहीं, पगल रट्टा नहीं मारना है कि सर ने जैसे लिखा वैसे लिखना, आपको समझना है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा वो तो अपना सिचुएशन है, वो कभी भी ले सकते हो, आपको बस एक बार कंसेप्ट समझ में आना जाना चाहिए, उसको मत देखो, अभी आपको यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो 3 × 2 करो तो भी 6 आएगा, 2 × 3 करो तो भी 6 आएगा, अगर अजय सर ने अपने नोट्स में ऐसा किया है और यहां पर भी आपको समझाते समय ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो दोनों सही है, दोनों में 6 ही आएगा, टेंशन ना लो आप लोग। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ 0 0 0 आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है वो भी आएगा सिचुएशन, वो भी बता दो, टेंशन ना लो, कंफ्यूज रट्टा मत मारो यार, मुझे रट्टा मारने लोग पसंद नहीं है, मैं रट्टा कभी लाइफ में मारा ही नहीं हूं, मैं खुद के नोट्स बनाता हूं, खुद से ही सब कुछ करता हूं, जब खुद से करने आ जाएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब अगला सिचुएशन करते हैं, सिचुएशन नंबर थर्ड, फोर्थ करते हैं, ठीक है फोर्थ करते हैं, फिर से बना देता है इसे ख ख ख, ठीक है ये आपका ए है बी है, ये मान लो क्या किया, इसको मैंने ऑन कर दिया, पहला ऑन कर दिया,
इसको भी मैंने ऑन कर दिया, दोनों ऑन है भाई साहब, दोनों ऑन है। बताओ लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा। अरे बोलो जलेगा जलेगा जलेगा, बोलो भाई जलेगा जलेगा, लाइट जलेगा भाई। हाँ लाइट जल गया, लाइट जल गया, लाइट जल गया, लाइट जल गया, लाइट जल गया। समझा बच्चों? तो देखो यहां पर क्या आएगा, यहां जीरो आएगा कि वन आएगा। ये ऑन हो गया ना, ये ऑन हो गया, ऑन हो गया, समझता है मतलब जल गया, तो ऑन हो गया मतलब आ गया, लाइट आ गई, लाइट आ गई। समझा गाइस? समझा गाइस? ओके, अब लास्ट सिचुएशन में तैयार हो जाओ, लास्ट सिचुएशन में तैयार हो जाओ, लास्ट वाला। ये आपका ए इनपुट बी इनपुट, और यहां पर मैं इसको क्या कर देता हूं, बत्ती गुल कर देता हूं, ठीक है। चलो इसको मैंने ऑफ रखा, कहा भाई क्या हो गया, एक सेकेंड, इसको मैंने ऑफ रखा, इसको भी मैंने ऑफ रखा, दोनों ऑफ है, क्या लाइट आएगा, क्या लाइट आएगा, क्या लाइट जलेगा, क्या लाइट जलेगा? तब क्या आएगा, क्या आएगा? समझा गाइस? टेबल समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे ही सब सर्किट में करना है, ऐसे ही करना है। टेबल समझ में आ गया? इस टेबल समझ में आ गया? टेबल समझ में आ गया तो बताओ। ओके, वेरी गुड यार, ठोको यार, ठुकाई क्यों बंद कर दिया यार, 499% लोगों ने लाइक किया है, ठोको यार, ठोको। ओके, 15 चैप्टर कल आएगा, कल आएगा 15 चैप्टर, कल आएगा 15 चैप्टर को भूले नहीं है। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन समझा ना आप लोगों को तरीका, ये तरीका आपको, ये तरीका दिख रहा है, ये वाला, ये तरीका अज्जू भैया का है, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह पे ऐसे याद करा देंगे, लेकिन ऐसा करके प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, आपको समझ में भी आ गया होगा। यस और नो? इसलिए मैंने लाइव एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये सब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये मिल गया तभी तो आपको मजा आएगा, नहीं तो आप रट्टा मारते ना, आप रट्टा मारते नहीं मारते, ट्रू फॉल 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 ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन यहां पर आप रट्टा नहीं मारा, आपने समझ के लिया। ओके, अगला, चलो चलो मितवा जल्दी जल्दी शादी करें, चलो। ओके ओके, अच्छा यहां पर आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो पता है, कंक्लूजन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन, क्या कर सकते हो गाइस, कंक्लूजन लिख सकते हो, कंक्लूजन समझते हो, आपको लिखना बता देता हूं, कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। निष्कर्ष देखो, वेन तो कैसे लिखना है, When voltage is low, when one voltage is, ऐसा बोलो इनपुट बोलो या फिर आउटपुट बोल सकते हो, हा when one input is, ऐसे लिखो पहला, when one input, when one input is low, low मतलब off, and one input
is, one input is high मतलब on, then output is low मतलब समझते हो off, ठीक है, ऐसे आप इसका लिख दिया, ऐसे इसका लिख सकते हो. When one input is high and another input is low, then output is low. When one input is high, another input is also high, then output is high. When two inputs are low, then output is low. मतलब इस टेबल को देख के आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन भी लिख सकते हो. यस गाइस, यस और नो? इस नोट्स को देखते ही, इसको देख के आप इसका क्या कर सकते हो, कंक्लूजन भी लिख सकते हो. समझा गाइस? समझा गाइस? सबको समझा कि नहीं समझा? ऐसे आप इसको करके कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऐसे इसका भी लिखना, फिर इसका लिखना. देखो इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन वन इनपुट इज हाई and another input is high, then output is high. ठीक है? When input is high, when output is what? Low. Then input is what? Output is low. ऐसा आप conclusion भी लिख सकते हो table का. ठीक है? आ जाओ, आ जाओ. अगला क्या होता? OR gate आ जाओ. OR gate में क्या होता है? Two or more input रहते हैं, उसके अंदर sum होता है, sum. इसके अंदर input का क्या करते हैं? Sum करते हैं. और इधर क्या करते थे पता है? यहां पर क्या करते थे? प्रोडक्ट करते थे. प्रोडक्ट समझते हो? इनका मल्टीप्लाई करते थे. यहां देखो, अब हम यहां पर देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं और गेट. ठीक है? और गेट देख लो, और गेट देख लो बेटा, और गेट दिखा देता हूं एक सेकेंड. हाँ, और गेट आ जाओ, और गेट समझो, और गेट. ठीक है? इसके अंदर क्या होगा पता है? सम ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स का सम लेना है. पहली बात, टू और मोर इनपुट बट वन आउटपुट. इसके पास भी क्या होगा? दो इनपुट लेंगे, एक आउटपुट लेंगे. ठीक है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ऐसे दो इनपुट बनाना है और ऐसे ऐसा करना है और ऐसे कर देना है, होता जहाज बना देना है ऐसा. यह आपका इनपुट ए, इनपुट बी है, या आपका इनपुट वाई है. ठीक है? ऐसा बना देना, आपका सिंबल बन चुका है. अब ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल. ठीक है? ट्रूथ टेबल में क्या होता है पता है? ऐसा ये आपका ऐसे दो कर लो, इनपुट हो गया या आपका आउटपुट हो गया. इनपुट कितना है? दो है, एक ए है एक बी है. आउटपुट क्या है? वाई इक्वल टू ए प्लस बी कर देना, ऐसा सम कर देना. ठीक है? चार बॉक्स बना लो, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स. ठीक है? ऐसा बॉक्स बना लेना और यहां पर नोट कर लेना. नोट, जीरो किसके लिए रहेगा? ऑफ के लिए रहेगा. ऑफ किया है कि ऑन किया है भाई? पिछला देख लेते हैं, दिमाग से उठ जाएगा. हमने क्या किया है? हाँ, ऑफ जीरो के लिए किया है. ऑफ रहेगा तो जीरो लेना है, ऑन रहेगा तो वन लेना है. ठीक है? यह ध्यान देना. स्टार्ट करते हैं यहां पर. यहां पर क्या करो, फिर से सर्किट बनाओ. अज्जू भाई के लिए फिर सर्किट बनाएंगे. ठीक है? सर्किट ऐसा रहेगा, यहां पर ऐसा रहेगा, पैरेलल रहेगा. क्या रहेगा? पैरेलल. ये पैरेलल रहेगा, ये आपका की है, ये आपका ईएमएफ है जहां पर करंट रहता है प्लस माइनस, यहां से करंट जाएगा, आई जाएगा. ठीक है? ये आपका इनपुट ए है, इनपुट बी है, ये आपका स्विच है. ठीक है? ये आपका स्विच है और यहां पर मान लो आपका क्या लगा है, क्या लगा भाई साहब? आपका बल्ब लगा है. ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट में गाइस मेरे साथ करो, मेरे साथ करो. यहां करंट जा रहा है
और यहां यहां पर रुका हुआ है। तो पहला मान लो, चलो पहला करते हैं, मान लो ये आपका ऑफ है, ये भी ऑफ है, पहला ऑफ है दूसरा भी ऑफ है, ऑफ के समझ लो जीरो, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, क्या लाइट जलेगा, क्या लाइट जलेगा, लाइट ऑफ रहेगा कि लाइट ऑन हो जाएगा, क्या लाइट जलेगा कि लाइट ऑफ रहेगा। गाइस ऑफ रहेगा ना, तो यहां क्या लेना है जीरो, समझा गाइस। चलो मान लो पहला ए को मैंने ऑफ रखा है, ए को मैंने ऑफ रखा है और बी को मैंने ऑन कर दिया है, बी को मैंने ऑन कर दिया है, बताओ लाइट जलेगा क्या, बताओ लाइट जलेगा क्या, लाइट जलेगा क्या, लाइट जलेगा क्या, लाइट जल जाएगा यार। सर कैसे जलेगा सर, अरे लाइट जलेगा भाई, देखो ना, देखो यहां से तो नहीं जा पाएगा करंट, लेकिन करंट को जाने का रास्ता यहां से मिल गया ना भाई साहब, यहां से करंट पहुंच जाएगा, ठीक है, और यहां पर लाइट जल गया, लाइट जल गया, गया, गया। अलग बात है उतना तेज नहीं जलेगा, इतना तेज दोनों से करंट आता तो जलता, लेकिन जल जाएगा, तो लाइट जलेगा, तो यहां पर क्या आएगा बड़ा, क्या आएगा यहां पर, ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन आएगा। समझे गाइस, गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके चलो दूसरा तीसरा केस, तीसरा केस करते गाइस, तीसरा केस मान लो बेटा इसको मैंने ऑन कर दिया, पहले वाले को ऑन कर दिया और दूसरे वाले को ऑफ कर दिया, दूसरे वाले को मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, दूसरे वाले को मैं क्या करूंगा, ऑफ कर दूंगा भाई, इसको इसको हटा देता हूं, हाँ पहले वाले को ऑन कर दे, दूसरे वाले को मैंने ऑफ करके रखा है, ठीक है, तो बताओ यहां लाइट जलेगा क्या, यहां लाइट जलेगा क्या, बताओ फटाक से बताओ, यहां पर लाइट जलेगा क्या, देखो पहले वाले को मैंने ऑन करके रखा है तो करंट ऐसे ऐसे यहां पर जाके रुक जाएगा, लेकिन ये ऐसे 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 जाके चलाएगा ना, तो पहले का ऑन है दूसरा ऑफ है, तो लाइट जलेगा क्या, हाँ भाई लाइट जलेगा, क्योंकि करंट यहां से पहुंच जाएगा, यहां से नहीं थे वो यहां से पहुंचेगा, लाइट जलेगा। अच्छा लास्ट केस, इसको पहले को ऑन कर दिया, दूसरे को भी ऑन कर दिया, लाइट जलेगा क्या, भाई लाइट जलेगा नहीं, लाइट चमकेगा, ये सुनो बवारा, लाइट धमाका मजा आएगा, जुग 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 लाइक दैट, तो भाई लाइट बहुत तेज चमकेगा, छक 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 छक, समझा आपको। समझा गाइस, समझा, मजा आ रहा है पब्लिक, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, ये बार तो बाल वाल ठीक कर लिया यार, बाल वाल थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ अंडरस्टैंडिंग और नॉट, लेकिन याद रखना अज्जू भाई का स्टाइल है, ठीक है, ये याद रखना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझाने के लिए मैंने खुद से बनाया है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा आइडिया क्रिएट किया है, ये सब ये ध्यान देना, एंड में मैंने कौन सा आइडिया, सीरीज वाला लिया था, सीरीज में लिया था स्विच को, मतलब सर्किट को, स्विच को, और इसमें किसमें लिया है, पैरेलल में लिया है और में, ठीक है ये ध्यान देना, ये आइडिया, ठीक है क्या बोलते हैं, याद कर लो, समझे। अब इसका आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो, कंक्लूजन समझते हो कैसे, इफ द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज हाई, इफ ऑल द इनपुट्स इज हाई देन इनपुट इज ऑलवेज हाई, है ना, ऐसा कंक्लूजन भी लिख सकते हो। चलो अगला करते हैं, अगला बेटा नॉट गेट है, नॉट गेट एनओटी, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, इसमें दो इनपुट नहीं होते हैं, और इसका डायग्राम ऐसा दिखता है गाइस, ऐसा
दिखता है इसका डायग्राम देखा नॉट गेट का, नॉट गेट का ठीक है, इसमें एक इनपुट रहेगा तो एक आउटपुट रहेगा, मान ले ए मारा है तो आपको ए ही मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ए का उल्टा मिलेगा, ए पॉजिटिव दिया है तो ए नेगेटिव मिलेगा, मतलब ये ऑन दिया है तो ये ऑफ मिलेगा और ये ऑफ दिया है तो ये ऑन मिलेगा, इसका उल्टा नाटक है, मतलब रिवर्स काम करता है, रिवर्स काम करता है ठीक है। यहां ट्रूथ टेबल देख लो, एक एक ही इनपुट रहता है, इसका ऑन किया है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ किया है तो ऑन हो जाएगा। तो सर कंक्लूजन कैसे लिखोगे, इफ इनपुट इज लाइक हाई देन आउटपुट इज लो, इफ इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, लाइक दिस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, लाइक इंग्लिश, भौकाल इन इंग्लिश, सब कुछ कर सकते इंग्लिश में। चलो अगला आ जाओ बेटा, झोर गेट बेटा, झोर गेट ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट ठीक है, मतलब और गेट के जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है, और गेट के जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है। इट हैज टू और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट, इसके पास भी दो इनपुट और एक आउटपुट रहेंगे, इसमें क्या हो सकता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाता है बेटा यहां पर ध्यान दो, यहां पर ट्रुथ टेबल देखो, ये डायग्राम बना लेना, इसका सिंबल है किसका, झोर गेट का ठीक है बेटा। आ जाओ इसमें देखो, इनपुट देखो, एक ऑन है एक ऑफ है तो क्या हो जाएगा, ऑन है, ऑन है जो ऑफ है, ऑन है तो ऑन है, यहां पर क्या हो सकता है ऑफ है तो क्या है बेटा, यहां पर क्या बोल दिया है ऑन है, और यहां पर क्या है ऑन है तो यहां पर ऑफ है, मतलब समझ लो कि इसमें हो क्या जाता है, देखो इसमें क्या होता है, एक आपका देखो एक यहां पर एक आपका हाई रहेगा ठीक है, एक आपका हाई रहेगा एक लो रहेगा तो यहां पे हाई रहेगा, एक आपका हाई एक लो रहेगा तो हाई रहेगा, हाई लो पे हाई ही रहता है, हाई लो पर हाई रहता है, हाई लो समझता है एक जीरो एक वन, तो हाई लो, लो हाई पर हाई ही रहता है, लेकिन हाई या हाई लो पे फुल्ली हाई, हाईली और लोली अरे लोली, लोली अरे भाई हिंदुस्तानी भाव नहीं बन रहा हूं, लवली कहेगी ठीक है, तो हाईली एंड लवली अगर रहेंगे ना तो ये हमेशा लो क्या रहेगा पता है, देखो ध्यान देना, ये तो हाईली है फुल्ली हाईली है तो यहां पर क्या रहेगा, ये देखो यहां पर देखो फुल्ली क्या है, फुल्ली हाईली, हाईली फुल्ली तो ये क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, और फुल्ली लोली है तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर देखो हाँ फुल्ली हाई है तो आपका हो जाएगा, फुल्ली लोली है तो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, मतलब वन हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको याद करके रखना है। देखो हाई लो हाई पर देखो तो ध्यान दो, हाई और लो रहेगा या लो हाई रहेगा ना तो हाई ही आएगा ठीक है, हाई आएगा ठीक है, फुल्ली लो हो गया तो हाई हो जाएगा, फुल्ली हाई हो गया तो लो हो जाएगा, ये थोड़ा उल्टा काम करता है ठीक है, थोड़ा बीसी टाइप का है, इसको थोड़ा संभाल लेना ठीक है। आगे आ जाओ, थैंक यू आ गया, लेकिन सुनो जरा यहां पर एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जाने से पहले, जाने से पहले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा और हमने ये देखा ठीक है, और हमने ये भी देख लिया, बचा कौन है, ये बचा है और ये बचा है ठीक है, ये आपका होमवर्क, इस एंड है ये नाइंड है, तो एंड का उल्टा होता है नाइंड और का उल्टा होता है नॉर, तो जो और में जो आपने आउटपुट लिया है उसका उल्टा कर देना नॉर के लिए, और जो एंड में आपका आउटपुट आया है नाइंड में उसको उल्टा कर देना, बस वही है, मतलब उसका उल्टा काम करते क्योंकि उसमें एंड लग जाता है, जहां भी मतलब क्या होता, सॉरी एंड लग जाता है, नॉट लग जाता है ठीक है, एंड में नॉट लग जाता है, देखो एंड में कोई एंड गेट हमने पढ़ा है, हमने एंड गेट पढ़ लिया है ठीक है, एंड गेट ठीक है, और हमें पढ़ना क्या है नैंड गेट पढ़ना, तो एंड के साथ नॉट लग जाता है जब, तो ये नैंड हो जाता है ठीक है, और नॉट क्या कराता है, सब कुछ उल्टा करा देता है, तो एंड में जो भी आपको आउटपुट मिला था नॉट लगने के वजह से नैंड में आउटपुट सब कुछ उल्टा मिलेगा, किसके एंड वाले का, वैसे और में भी नॉट लग जाता है तो नॉर बन जाता है ठीक है,
तो ध्यान दीजिए और में जो भी आपका आउटपुट आएगा वो नॉर के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सब कुछ वही फॉर्मेट रहेगा, बस आउटपुट चेंज कर देना, ठीक है, सब कुछ वैसा रहेगा। और हाँ, डायग्राम में ध्यान देना, डायग्राम में कैसा रहेगा, डायग्राम भी आपका सब कुछ सिंबॉल जो रहेगा ना, एंड का सिंबॉल था, ध्यान दो, सिंबॉल सब कुछ सेम रहेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, एंड का बता रहा हूँ, किसके लिए, एंड के लिए सिंबॉल सब कुछ सेम है, लेकिन यार टेम का लगा देना, ये टेम का किसके लगा है, नॉट के लगा है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो भी आया था एंड के लिए यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जहाँ जीरो 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 आया था वहाँ वन 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 हो जाएगा, जहाँ वन आया था जीरो हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये एंड के लिए है, एंड के लिए, ये एंड के लिए, जब आप एंड का बनाओगे तब सब फॉर्मेट सेम रहेगा, समझा। वैसे किसके लिए बेटा, नॉर के लिए है, नॉर के लिए, और का हमने पढ़ा है, और के साथ नॉर भी कर सकते हो बगल में, ठीक है, मतलब समझा देता हूं आप कर लेना। यहां पर जीरो तो वन हो जाएगा, जहां वन है जहां पर जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा, सबको समझा, उल्टा हो जाएगा। और डायग्राम आपका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो था, सिंबॉलिक यही रहेगा, बस जब आप नॉर पढ़ोगे, नॉर गेट, तो ऐसे बना देना फिर से, लेकिन यार टेम का लगा देना, ऐसे ए गेट बी, यहां पर आपका वाई आ जाएगा, बस टेम का लगा देना, खत्म। अब आप आउटपुट देख के कंक्लूजन पूछेगा तो आउटपुट दे देना जो आपका आउटपुट आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया बेटा, चैप्टर को हमने कह के ले लिया, ठीक है। तो कैसा लगा चैप्टर, चैप्टर कैसा लगा इस, चैप्टर कैसे लगा इस, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, ओके, मचा दिया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, मस्त, छक्का खोल के, मैं कुछ भी मत बोले यार, मुझे पढ़ने में पता लगता है, फास्ट सेशन, यू अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, एक नंबर, थैंक यू, हार्ड, मजा आ गया, लव यू, कर्नाटका से, खतरनाक वॉइस, ओए गाइस, चलो ठीक है, सेशन को खत्म करते हैं हेमंत, और सेशन के बाद कमेंट करके जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर मिलेंगे एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई के साथ, उसको भूले नहीं है, उसको भी लेंगे, कह के लेंगे अच्छे से, और इसके लिए बहुत झक्कास नोट तैयार कर रहा हूं पब्लिक, आपको फुल मजा आएगा, इसको समझ में आया अगर आपको चैप्टर, तो प्यार देके जाना, कमेंट बढ़िया से करके जाना, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। फिर मिलेंगे नए जोश से, नई ऊर्जा के साथ, और लास्ट चैप्टर भाई मचाना है, ठीक है, सब लोग आना, जो जो नहीं आता वो भी उसको भी बुलाना भाई, लास्ट टॉपिक है आपके 108 फिजिक्स का, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।